मैं एक साथ के साथ ना फ्लो चार्ट भी बना के चलता हूँ। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड होगा क्या इनके पास? नहीं है। सो मैं काम करता हूँ, पहले तो यार इसको अरेंज कर, यहाँ पे चलते, यहाँ पे बैठ, तो यहाँ पे बैठ और मैं स्लाइड्स बनाता हूँ साथ के साथ। आउटलाइन फॉर एन आर्टिकल। अरे मैंने नाम देना था यार इसको, मैं क्या कर रहा हूँ ब्रो। न्यू बना देना। ठीक है, आउटलाइंस फॉर एन आर्टिकल के, एक आर्टिकल के लिए आउटलाइंस क्या क्या होने चाहिए। क्लियर? ठीक है जी भाई। यार बोलते रहो बीच बीच में, यस और नो। ठीक है, पर मैं क्लासिक कीबोर्ड यूज करती हूँ, एडिटर यूज करती हूँ। अरे यार अभी कीबोर्ड पे नहीं जा रहे, उस पे एडिटर पे नहीं जा रहे। हाँ अभी हम जा रहे हैं कि भाई एक्चुअल में हमें कंटेंट लिखना कैसे है। ठीक है, जो हमारी कुछ पिछले दिनों दिक्कत आई है कि हमें डुप्लीकेटेड कंटेंट का चैलेंज फेस करना पड़ा है, तो उससे कैसे बचना है। ठीक है, और दो तीन चीज़ें उनमें क्या कुछ हमें करनी है ना, पॉइंट्स की कौन कौन से पॉइंट्स हमें वहाँ पे रिमेम्बर रखने हैं, उन चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। समझ रहे हो भाई विवेक? यस और नो? यस सर। तो उसमें सबसे पहले ये जो हम अभी आज डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले होगा कीवर्ड रिसर्च। आई थिंक कीवर्ड रिसर्च आप खुद नहीं करते हैं नो ना, रोहित सर देते हैं आपको निकाल के ना कीवर्ड्स। तो सर, खुद ही करता हूँ, मतलब कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल तो। कुछ भी नहीं डालना ना भाई। चलो अभी सेकंड रहेगा हमारे लिए कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट, अब हमें कीवर्ड मिल गए मान लो। ठीक है, कीवर्ड्स के बाद हमें कंटेंट कैसे बनाना है उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल चेक फॉर प्लेगरिज्म, चेक फॉर प्लेगरिज्म और एआई कंटेंट, एआई डिटेक्शन, कि कहीं पे उसको ये तो नहीं लग रहा कि एआई ने लिखा है कंटेंट, है ना, क्योंकि वो तो पकड़ लेगा ना गूगल तो। ठीक है, उसके बाद टाइटल, इसके बाद मैं टाइटल बनाता हूँ, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक है, उसके बाद फीचर्ड इमेज और उसके बाद लास्ट में इंडेक्सिंग सबमिशन। ठीक है, ये चार पॉइंट्स के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे आज। ठीक है भाई, बोलते रहो बस। यस सर, बोल रहा हूँ। ठीक है, उसकी मैं एक गाइडलाइन अभी तैयार कर दे रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आता है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च। जो मेरा अप्रोच का तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें ऐड ऑन कर देंगे कि विवेक आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है विवेक, ठीक है, अभी मैं एक दो टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं फ्री वाला बताता हूँ आपको मैं कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। यही था ना? हाँ यही है। ठीक है ना, ये नहीं है यार, ये वाली है। हाँ तू इधर आ भाई। ओके, सो कीवर्ड 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 यार, ये रहा मेरा कीवर्ड रिसर्च का पूरे के पूरे टैब्स। सबसे पहले तो गूगल ट्रेंड्स जो है उसके ऊपर मैं एक्सप्लोर पे चेक करता हूँ। जैसे अभी मैंने एक नीश पकड़ी हुई है गैजेट्स,
ठीक है। अब मैं गैजेट, मैंने इस पे सर्च करा, कंट्री रखी यूएसए, ठीक है। दूसरा मैंने टाइम स्पेन, पहले 12 महीने का मैं चेक करता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ 30 दिनों का, फिर मैं चेक करता हूँ 7 दिनों का, और फिर मैं करता हूँ लास्ट डे का, ठीक है। और लास्ट में कैटेगरी अगर सेलेक्ट करनी होती है तो मैं कर लेता हूँ, बट अभी मैं कैटेगरी नहीं करता। उसके बाद इस पे वेब रिसर्च कितनी आ रही है, मतलब जो लोग कंटेंट देखते हैं वो कितने हैं, जो लोग इमेजेस देखते हैं वो कितने हैं, न्यूज़ देखते हैं वो कितने हैं, गूगल शॉपिंग या यूट्यूब पे रिसर्च कितनी है, ठीक है जी गाइस, यस और नो, यस सर, ठीक है। कोई भी डाउट हो यार साथ के साथ पूछते रहना, ठीक है। अब भी मैंने जैसे सर्च करा गैजेट, तो वहाँ पे एक मेरे को रिजल्ट मिला फायर बैंड का, ब्रांड का, फायर ब्रांड करके कुछ चीज़ होगी वहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको रिसर्च ही कर लेते हैं एक बार गूगल पे, गूगल यूएसए पे करते हैं यार, यहाँ पे नहीं करेंगे, गूगल यूएसए मैंने खोला और फायर ब्रांड मैंने सर्च करा। अ पर्सन, ये तो कुछ और चीज़ आ गई यार, इट्स नॉट रिलेवेंट, है ना, ना ये रिलेवेंट नहीं है। तो भाई पीछे जा वापस, अब मेरे को जज लो इंस्पेक्टर गैजेट और फायर ब्रांड वेयर टू वॉच, यार ये गैजेट्स गैजेट्स से रिलेटेड कुछ नहीं दिखा रहा है ना। अच्छा यार ये तो फायर ब्रांड ही करा हुआ है, गैजेट करना, गैजेट्स मैंने रिसर्च करा। और एक चीज़ देखो, अभी नवंबर 2022 में ना और दिसंबर में सबसे पीक पे था, ये दिख रहा है ग्राफ गाइस, यस और नो, यस सर, दोनों के दोनों अपने माइक अनम्यूट कर दो यार प्लीज़। ऋतिक यू एज वेल प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ, हम पीछे चाहते हैं आपके कि आप नॉइज़ बहुत आ रही है पर जानकारी यार। दें कि आपके जेंडर के साथ आपकी कितनी कंफर्टेबिलिटी है। हेलो, आपके पीछे से नॉइज़ आ रही सुनाओ, है। यदि आपको ये एक्सपेरिमेंट किसके साथ करना है? देखिए हेलो चार्ज ऋतिका, आपके जी पीछे से सर, नॉइज़ आ रही है। ठीक है, एक चीज़ देखो, लास्ट दिसंबर में ये पीक पे था, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो क्रिसमस में पीक पे गए हो, ये कीवर्ड गैजेट है ना। बट अभी दिसंबर के बाद जनवरी में बिल्कुल ही गिर गया ये, मतलब जनवरी से लेकर के नवंबर तक बिल्कुल ही वो हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी चलना शुरू हुआ है दोबारा से, देखो 5 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर में इसकी रिसर्चेस दोबारा से बढ़ी हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो क्रिसमस का वो होता है टाइम, उस टाइम पे बढ़ता है। अभी लास्ट 5 साल का देख लेते हैं डेटा, देखो यहाँ पे भी नवंबर में पीक पे था, दिसंबर नवंबर दिसंबर, अगेन नवंबर दिसंबर में पीक पे था, उससे पहले भी नवंबर दिसंबर में पीक पे था, उससे पहले भी नवंबर दिसंबर में पीक पे, मतलब नवंबर दिसंबर इसका क्रूशियल टाइम है इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जिसका नाम है गैजेट्स, ठीक है। अब गैजेट हमने निकाला, गैजेट पे यार काफ़ी सारे वो आ रखे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं है ना, कूल गैजेट्स 2020, किचन गैजेट्स 2020, बेस्ट गैजेट्स 2022। अब ये पिछले जो पुराने साल वाले हैं तो हम भूल ही जाएंगे, उनको तो छोड़ ही देंगे, ठीक है। हाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2022 की जगह 23 कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये गैज ये वाले कीवर्ड रिसर्च करके इन पे की इतनी लास्ट टाइम रिसर्चेस थी उनके बिहाफ पे जो है हम अपना 2023 का, ये देखो बेस्ट गैजेट्स 2023 ब्रेकआउट हुआ है, ये देखो ग्राफ देखो एक बार, क्या ग्राफ जा रहा है भाई, बढ़ रहा है, ठीक है 2023 में। अभी मैं लास्ट 12 मंथ्स का देखता हूँ, बढ़ने पे है, अगर देखोगे तो बढ़ ही रहा है, इंक्रीमेंट पे ही है,
तो इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर हम क्यों ना बनाएं, यस और नो गाइस? मैं यहाँ पे भी लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं गूगल ट्रेंड्स को सर्च करता हूँ, ट्रेंड्स के ऊपर डेटा सर्च आउट करता हूँ, फिर उस डेटा को मैं डालता हूँ, वहाँ से मैं कीवर्ड निकालता हूँ कुछ एक, और उनको निकाल लेके जाता हूँ मैं एचरेफ में। href.com वेबसाइट है, वहाँ से कुछ एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अच्छा, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल का पता है क्या आपको, क्या होते हैं? No. विवेक आपको पता है क्या क्या क्या, क्या पूछा था आपने? लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स? नो सर, नो सर, ओके। नहीं पता। देखो, आज के टाइम में अगर आप सिर्फ एप्पल लिख के एप्पल के ऊपर रैंक कराना चाहोगे, क्या वो होगा अपने नो आर्टिकल सर, को गूगल के ऊपर? नहीं होगा, नहीं होगा ना। बट अगर मतलब वहीं मुश्किल पे है आप, बहुत। आपकी फ्रेश वेबसाइट है, बिल्कुल न्यू है, और आप अभी मार्केट में नए हो, और आप लिखते हो व्हाट इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन एप्पल फॉर 2023, पॉसिबिलिटी है कुछ कि किसी और ने इस पर्टिकुलर आई टर्म के ऊपर जो है आर्टिकल नहीं लिखा हो, है ना? तो हो सकता है अगर आप उस चीज़ को, आप मार्केट से हटके चले और उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिख दे, हो सकता है वो रैंक हो जाए कि नहीं, यस और नो? तो उनको, जो लंबे लंबे कीवर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है? क्या बोलते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हाँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उनको बोला जाता है। अभी हमने जो है बेस्ट गैजेट्स 2023 रिसर्च करा था, मैं चलता हूँ एचरेफ के ऊपर, href.com। यहाँ पे एक कीवर्ड जनरेटर करके मैं लिंक भी डाल देता हूँ पीपीटी में। लिंक कहाँ से डलता है यार इसमें? मतलब पहले जो बनाता था, जैसे बुक्स टोइंग पे, टोइंग से रिलेटेड, या फिर स्नैक टीम पे, माउंटेन राइडिंग से रिलेटेड, वो नहीं बनाना है भाई, रुको ना शांति, वहाँ पे भी आ रहा। मैंने आपको क्या बोला, मैंने अपनी तरफ से गैजेट लिया हुआ है, ठीक है? अभी आपका माउंटेन राइडिंग अगर है तो माउंटेन राइडिंग से रिलेटेड कर लो, क्या दिक्कत है उसमें? मैंने यहाँ पे कीवर्ड ये डाल दिया, लिंक डाल दिया कि एचआरएफ के अंदर कीवर्ड जनरेटर के नाम से एक वो है, टूल है, उस पर हम रिसर्च कर लेंगे। अभी हमारा जो कीवर्ड था बेस्ट गैजेट्स 2023, इसके ऊपर चलता हूँ मैं। यूनाइटेड स्टेट्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और मैं इसके ऊपर फाइंड आउट करता हूँ कीवर्ड्स को। अभी देखो, इसने मेरे को सिर्फ तीन दिए हैं, एक तो बेस्ट गैजेट्स 2023 दिया, सेकंड दिया अमेज़ॉन बेस्ट गैजेट्स 2023, और तीसरा दिया बेस्ट गैजेट्स 2023 फॉर मैन। सिर्फ इसने दिए हैं, इसने तीन दिए हैं, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से हटाता हूँ 2023, मैंने ले लिया फॉर मैन, तो मैं लिख देता हूँ बेस्ट गैजेट्स फॉर मैन। अभी सिर्फ इतना ट्राई मारता हूँ क्या रिजल्ट आता है। अभी देखो, गैजेट्स एक छोटा कीवर्ड था, बट इसमें हमने लिख दिया फॉर मैन, तो आगे ये बढ़ गया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे एक टर्म है केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी, समझ रहे हो? कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया एप्पल, एप्पल पे अगर आप एप्पल की कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखो, एप्पल की कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 97, जिसको आप बीट कर ही नहीं सकते। क्यों यार, एप्पल डॉट कॉम खुद को ही क्यों बीट, कैसे बीट करा देगा, है कि नहीं? तो एप्पल को तो आप बीट कर ही नहीं सकते। अच्छा, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स दे दिए उसने कि भाई एप्पल स्टॉक बहुत 93 की केडी है, ठीक है, एप्पल स्टोर केडी 97 का केडी है, अगेन एप्पल वॉच 75 का केडी है, बट स्टिल इट्स टू हाई, आपको काफ़ी अच्छी अपना डोमेन लेना, बहुत अच्छा डोमेन लेना होगा आपका, आपको अपना। अभी एक देखिए एप्पल पेंसिल, जो कि बहुत रेयर बिकती है और उसकी केडी है 55,
ये आपको 10 KD फ्री में दे देगा, ठीक है, बिना किसी पैसे के। अगर और निकालनी है एप्पल, जैसे मेरे को इसकी निकालनी है एप्पल iPhone 15 Pro Max, इसकी KD निकालनी है, मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दूँगा, ये दे देगा मेरे को अगेन। इसने बोल दिया भाई 36 की KD है इसकी, ठीक है, वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, ठीक है। स्टिल हम इसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे। अब ये इसका गलत दिखा रहा है, देखो iPhone 15 Pro Max प्राइस। अभी अच्छा देखते हैं कि इस पे KD किसकी आती है USA मार्केट में। गूगल USA करता हूँ मैं पहले, गूगल USA मैंने सर्च करा, और एक ना टूल है मेरे पास SEM रश मोज मोज, इसमें नहीं करा हुआ क्या? मैं एक सेकंड टूल डाउन वो कर लेता हूँ यार, इंस्टॉल मोज एक्सटेंशन, ये आप भी कर लेना, इट्स लाइक फाइनेस्ट टूल जो आपको थोड़ा सा डोमेन्स के बारे में बताएगा। एक तो आपने यूज़ करना है मोज एक्सटेंशन, गूगल का एक्सटेंशन है ये, गूगल पे आपका चिपक जाता है ये। ये है तो यार मेरे डाउनलोड करा हुआ, फिर क्यों नहीं दिखा रहा है, कहाँ गया गूगल फायर ब्रांडिंग, ये हाँ अब आएगा शायद कि नहीं, दे देना ब्रो। ये आ गया, देखो ये आ गया, ठीक है। इसने मेरे को बता दिया कि इस वेबसाइट का 99 का DA है, PA इसका इतना है। अच्छा DA PA पता है क्या होता है? नहीं पता सर। ओके मैं पहले, उससे पहले DA PA क्लियर करता हूँ भाई। मम्मी मैंने काम करना है यार, मेरे पर नहीं बोले जा, मेरा वो नहीं ले रहा, मैं माइक, वो माइक नहीं ले रहे, मतलब वैसा माइक नहीं है, बका हुआ ना, अच्छा मैंने काम कर लेना दे, ठीक है जी। सबसे पहले DA PA बताता हूँ। मान लो आपकी, आपका एक स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में एक है प्रिंसिपल, एक है स्टूडेंट, ठीक है। आपका जो, मान लो प्रिंसिपल बोलता है कि राम इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, या एक काम करते हैं उल्टा बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलता है कि राम इज़ अ वेरी पुअर पर्सन इन टर्म्स ऑफ हिज नॉलेज, ठीक है, कि राम जो है अपनी एजुकेशन में बहुत वो है, पुअर है। बट एक राम का दोस्त है श्याम, श्याम बोलता है कि राम बहुत अच्छा है पढ़ाई में। अब आप किसकी बात मानोगे, प्रिंसिपल की कि श्याम की? गाइस नहीं चल रहा सर, समझा हाँ जी, नहीं, एक बार फिर से बताइए। आपके पास दो अथॉरिटीज़ हैं, एक आपके पास प्रिंसिपल है आपके स्कूल का, राम के स्कूल का, ठीक है, एक राम का दोस्त है जो उसी की क्लास में पढ़ता है, ठीक है। प्रिंसिपल बोलता है कि राम इज़ अ वेरी पुअर पर्सन, कि भाई राम को नॉलेज नहीं है, राम बहुत जो है नॉलेज में लैग कर रहा है। और श्याम बोलता है कि नहीं, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो आप किसकी बात मानोगे, राम की, सॉरी प्रिंसिपल की या प्रिंसिपल श्याम की? की रितिका, प्रिंसिपल ऑब्वियसली प्रिंसिपल की बात मानेंगे हम, है ना। रीज़न क्या है कि भाई वो थ्योराइज पर्सन है, वो सोच समझ के बोलेगा कोई भी बात, ऐसे ही होता है, यही मेंटेलिटी होती है हमारी, है ना, यस और नो? तो ऐसे ही होता है DAPA, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। जिस वेबसाइट का सबसे ज़्यादा DA, सबसे ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा, गूगल भी उसी की बात मानेगा कि भाई हाँ मैं तेरी बात मानूंगा। अब आप चेक कर सकते हो DAPA, चेक DAPA, एक वेबसाइट आ गई है, मैं apple.com का DA चेक करता हूँ। ओह
रोबोट चेक, एप्पल डॉट कॉम का डीए अपने पास आ गया 99। अब एक चीज, मतलब डोमेन है थ्योरिटी, जैसे प्रिंसिपल एक थ्योरिटी है ना एक स्कूल की, वैसे ही एक होती है हमारे पास डोमेन थ्योरिटी। डोमेन तो पता होगा कि इसको बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन थ्योरिटी एप्पल डॉट कॉम की 99 है। अब ये मान लो गूगल एप्पल डॉट कॉम की मानेगा या फिर वाइट पाइन हॉबी डॉट कॉम की मानेगा विवेक, चाहे आप चीख चीख के बोलो कि नहीं आईफोन 15 प्रो मैक्स का प्राइस वो गलत बता रहे हैं, क्या वो आपकी मानेगा? है विवेक जी? बिल्कुल भी नहीं मानेगा, है ना। तो ये बात है, जिसका डीएपीए ज्यादा वो उसकी मानेगा, ठीक है। तो ये हर एक के केस में अप्लाई होता है। अभी हम दोबारा से चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स प्राइस, इसने हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी दी हुई है, सिर्फ तीन है भाई, कहता है सिर्फ तीन डिफ़िकल्टी है, बहुत कम डिफ़िकल्टी है ये, ग्रीन कलर इसने दिखाया हुआ है। क्या आप अपना जो आर्टिकल है, डिफिकल्टी किस वे में है? अपना आर्टिकल मान लो आपने अपना आर्टिकल लिखा, ठीक है। अब सभी चाहते हैं कि हमारा आर्टिकल जो है गूगल पे सबसे ऊपर आ जाए, है कि नहीं। तो अभी मान लो उस पर्टिकुलर उसके ऊपर 70 आर्टिकल लिखे हुए हैं या 100 आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है, और 100 में से वो कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है मान लो 7 की, तो डिपेंड वो बोलता है कि भाई आ सकता है आपका 7वें नंबर पे आ सकता है, समझ रहे हो बात को। तो इट्स मीन कि ये थर्ड नंबर पे आएगा। हाँ, अगर 100 आर्टिकल हुए, अगर 100 से ज़्यादा हुए, मान लो 200 आर्टिकल हुए तो 6th नंबर पे आ सकता है, ठीक है। अगर 1000 आर्टिकल हुए तो ओके, 30वें सो नंबर कि पे आ सकता है। ये 100 की एवरेज दिखाता है, मतलब ये 100 की एवरेज 100 दिखाता में है, यहाँ पे आउट ऑफ रैंक 100 करेगा। दिखाता है, हाँ आउट ऑफ 100 दिखाता है ये, ठीक है। ओके तो ये परसेंटेज के हिसाब से चलता है, जैसे 3% या 4% या 36%, है ना। तो जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स में अगर आप देखोगे खाली वाला जो है, इसमें सबसे ऊपर तो बहुत हाई लेवल की वेबसाइट्स आई हुई है, एप्पल डॉट कॉम, आप बीट कर सकते हो उसको, एप्पल डॉट कॉम को। कर सकते क्योंकि वो तो ओरिजिनल है वैसे भी। हाँ वो तो ओरिजिनल ही है ना, गूगल उसको ज़्यादा फिल्टराइज करेगा। अच्छा, सबसे पहले आ गई हमारे पास, अब वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले एप्पल डॉट कॉम आ गई, उसके बाद दोबारा से एप्पल डॉट कॉम आ गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते, फिर एप्पल डॉट कॉम आ गई, फिर एप्पल डॉट कॉम आ गई, 4, फिर 5, 6, 7, 8, पहले 2 पेज तो एप्पल डॉट कॉम से भरे हुए हैं भाई, 3 पेज, तो इसको कहाँ बीट कर लेंगे हम, कर सकते हैं। फिर आया कहीं पे जाके बेस्ट बाय डॉट कॉम, उसके ऊपर आया सीनेट डॉट कॉम, ठीक है। तो ये दोनों वेबसाइट भी काफ़ी हाई लेवल की वेबसाइट्स हैं, इनको बीट कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है इनको बीट करना। ये है AT&T, ये भी काफ़ी हाई लेवल की वेबसाइट है, ATT.com, इनको बीट करना। ऊपर से आ गई Amazon.com, Amazon नहीं बीट कर पा रही यार। हाँ जी, बट डोमेन तो अगर जैसे कि डोमेन एक है हाँ, तो वो एक ही बार आएगा ना, तो बार बार कैसे आ सकता है? नहीं, अब ये देखो ना, एक डोमेन के अलग अलग पेज आए हुए हैं वो, ये देखो एप्पल डॉट कॉम स्लैश आईफोन 15 प्रो, पहला पेज ये हो गया, दूसरा पेज भी इन्होंने सही में दे दिया क्या? अच्छा सेम दैट्स नहीं नहीं व्हाई। नेचुरल टाइटेनियम, वाइट टाइटेनियम, ठीक है, उसके बाद ब्लू टाइटेनियम, कलर डिफरेंस ये 256 GB, ये 512 GB, ठीक है। फिर ये वाइट टाइटेनियम AT&T, ये अलग अलग पेजेस है सारे के सारे, जो एप्पल जैसे भी डॉट कॉम एप्पल है। की, जैसे कि पर्टिकुलर कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो सबसे पहले अगर हम भी अगर कुछ एप्पल से रिलेटेड खरीदेंगे तो हम भी यही सोचेंगे ना कि हम
एप्पल से ही मिल, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाए। हाँ, बट अभी हम क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, सिर्फ उसका प्राइस लिखा है। अब अगर हम लिख दें वेदर एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स इज गुड टू बाय फॉर गेमिंग लेट से, कि गेमिंग के लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स सही है या नहीं है, अगर तो एप्पल डॉट कॉम ने उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखा है तो हम नहीं आ सकते। अगर नहीं लिखा, किसी और वेबसाइट ने भी नहीं लिखा, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे हम रैंक कर जाएं? यस और नो? हैं, वहाँ पे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ना। हम ये चीज़ हम क्यों करेंगे, हम क्यों पागल बनेंगे कि हम ऐसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखे जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सा ज़्यादा कंपटीशन है। एप्पल ही एप्पल भरा पड़ा है यहाँ पे, तो यार बहुत हाई कंपटीशन है, तो हम क्यों करेंगे यहाँ पे? हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। अभी कीवर्ड रिसर्च का मतलब ही यही है, ठीक है, समझ रहे हो? कीवर्ड रिसर्च का मतलब यही है कि हम ऐसा एक कीवर्ड लें जो काफ़ी जिस पे रिसर्च काफ़ी अच्छी हो, सॉरी रिसर्चेस काफ़ी अच्छी हो। ये वॉल्यूम सर्चेज हैं, एक 12 महीने में कितनी सर्च आई हुई है, ठीक है, सॉरी एवरेज मंथली सर्च है ये, पिछले 12 महीने की, ये पिछले 12 महीने में कितनी कितनी रिसर्च आई हुई है इस पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम ज़्यादा, केडी कम, बहुत कम केडी, ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है, क्लियर? अभी इसकी केडी मेरे को गलत लगी थी तो मैंने इसको गूगल पे जाके रिसर्च करा, ये भी चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लो अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ की केडी इसने दिखा दी कम, बट आपको लग रहा है कि हाँ नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली हम उसको एक बार गूगल करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं बैक इन द केस ऑफ गैजेट्स। तो कि ये भी ठीक नहीं बताती। हाँ, ये ठीक नहीं बताता, कई बार सैमरश है, सैमरश यूज़ कर सकते हैं, सैमरश लेंगे, पेड़ लेंगे एक बार उसका ना, ट्राई मारेंगे। अच्छा, अब गैजेट्स में एक इसने बताया रेवन गैजेट्स, और इस पे केडी बता रहे हैं 0, और लास्ट मतलब मंथली एवरेज सर्च बता रहे हैं 6,000। तो एक बार इसको जाके देखते हैं कि भाई क्या चीज़ है। मैं गूगल करता हूँ इस चीज़ को, रेवन रेवन गैजेट्स क्या चीज़ है, मेरी भी नज़रों से चले गए। गूगल यूएसए पे मैं ये सर्च कर रहा हूँ, मेक श्योर यू आर ऑन गूगल यूएसए, बिकॉज हाँ ये चीज़ देखो। अब रेवन गैजेट्स डॉट कॉम एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये कुछ एक गैजेट्स हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है, 1 2 3 तीन बार ये रेवन गैजेट्स की वेबसाइट आई हुई है, तीन नंबर तक ये लिस्टेड है। एक पे कॉन्टैक्ट अस है, नॉट अ बिग डील, इसको हटा सकते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट अस में पर्टिकुलर गैजेट्स नहीं होंगे, वो कोई वैसी ही चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, ये इंडोर आउटडोर टीवी एंटीनाज, टीवी एंटीनाज का इतना ज़्यादा आज की डेट में स्कोप नहीं है, तो इसको भी हटा सकते हैं। और ये इनका होम पेज ही है रेवन गैजेट्स का, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अभी BBB.org, BBB.org कोई वेबसाइट है जिसका DA बहुत हाई है, कोई बात नहीं। उसके बाद थर्ड फोर्थ वेबसाइट का भी बहुत DA हाई है, कोई बात नहीं। Facebook.com आ गई, फेसबुक को इजीली बीट करा जा सकता है, फेसबुक इज़ नॉट अ बिग डील, मीडियम का काफ़ी अच्छा DA होता है, ठीक है। काफ़ी सारी यहाँ पे मतलब स्कोप है रेवन पे, रेवन गैजेट्स। एक बार मैं इसके रिलेटेड कीवर्ड निकालूं रेवन गैजेट्स से, क्योंकि रेवन गैजेट्स की वॉल्यूम काफ़ी हाई है और रैंक करना इजी है, केडी मेरे को सही लगी है इसकी, ठीक है। तो एक बार रेवन गैजेट्स पे रिसर्च करते हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड कीवर्ड है। अभी रेवन गैजेट एक छोटा कीवर्ड है, अभी हम इसको देखो, आ गया रेवन गैजेट्स बेस्ट इंडोर टीवी एंटीना, ये टीवी एंटीना के लिए है आई थिंक सारा का सारा, और इस पे स्टार्टिंग के लिए 500 500 वॉल्यूम आ रखी है मंथली रिसर्च की, सही है, इस पे चला सकते हैं अब हम, ठीक है। विवेक जी समझ आ रहा है यस सर। कि नहीं आ रहा, क्या ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं, पहले तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि हम लोग मैं अभी जो कर रहा हूँ उससे कैसे लिंक्ड है ये। भाई आप किस चीज के ऊपर कर रहे हो अभी?
आर्टिकल मेकिंग अभी 3 टॉपिक पे, एक टॉपिक बताओ। रेसिपी से रिलेटेड है माउंटेन और बाइकिंग कर रहे हो, एक माउंटेन राइडिंग करके है, राइडिंग है बाइकिंग है। बाइकिंग। हाँ भाई चलो एक मिनट रुको, अभी कीवर्ड्स निकाल के देता हूँ। अभी मेरे पास कुछ एक कीवर्ड आए हैं, ठीक है, जिस पे वॉल्यूम है हर महीने 250 का, ठीक है। केडी है 21 की, कैसा? केडी मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है। अगर 100 आर्टिकल लिखे हैं तो 100 में से आपका 21वें नंबर पे आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। किस क्या कीवर्ड है? स्मोकी माउंटेन राइटिंग स्टेबल्स। अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल लिखोगे, ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो हो सकता है आप नंबर 21 के ऊपर रैंक कर जाओ, ठीक है। अगर आप खाली अच्छा माउंटेन राइडिंग के ऊपर लिखोगे, वो माउंटेन राइडिंग आपको टॉपिक ही इसलिए दिया गया है क्योंकि उस पे ना वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और सर्च मतलब केडी इजी है उसका, माउंटेन राइडिंग का। ठीक है, अच्छा समझ आ गए आपको? जी स्मोकी माउंटेन राइडिंग स्टेबल्स, गेट लिम्बर्न TN, गूगल कर लो, कुछ ना कुछ मिलेगा इसके बारे में भी। और अभी इसको फिर आगे कैसे डिफाइन करना है वो चीज़ आगे आगे बताऊंगा मैं। अभी ये बताओ मेरे को पहले कीवर्ड कैसे निकालना है, वो चीज़ समझ आ गई? ये देखो कोई वेबसाइट है DAPA सिर्फ 24, DA24, इसका ट्रिप एडवाइज़र काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसका 93 है, ये इसका 39। भाई इजीली बीट कर सकते हैं माउंटेन राइडिंग में हम इन वेबसाइट्स को, समझ रहे हो, इसलिए उन पे वर्कआउट कराया जा रहा है, समझ रहे हो विवेक? अभी रिलेट कर पाए हो? यस अभी समझ आ रहा है कि मान लो आप आपका मेन टॉपिक है सर, माउंटेन राइडिंग, उसके अंदर हम डीप टॉपिक कैसे निकाल लें, है ना? ये समझ आ गया? मेन तो यहाँ पे कीवर्ड सर्चिंग ही है ना, कि हम हमारी कोई भी नीच हुई तो हमें सिर्फ कीवर्ड सर्च कैसे करना है, मेन चीज तो यही है ना। एग्जैक्टली, पहले हमें क्योंकि कीवर्ड हम रिसर्च, कोई जरूरी नहीं है कि हमें यही नीच मिलेगी, आगे जाके हमें कुछ भी मिल सकता है। मेन तो हाँ ये है कि सिर्फ कि कोई भी मिले हमें, और हमें कैसे कीवर्ड सर्च करना है। उस पर्टिकुलर नीश के रिगार्डिंग कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, हाँ विवेक समझ आ रिगार्डिंग गया? कैसे, बहुत सारे वो है, गैजेट्स भी है, मतलब बहुत गैजेट्स हो सारी गया, पहले हम वर्ड्स टेक्नोलॉजी है। नीश पे काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हाँ कीवर्ड्स कैसे तो निकालने हैं। जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, मेन तो सिर्फ यहाँ पे ये यह है कि हम हमें सीखना है कि हम कीवर्ड सर्च कैसे करें, क्या एग्जैक्टली, हम अपना कीवर्ड पर्टिकुलर चूज करें कि हाँ कैसे करें, और जो हाँ रैंक भी करें, तो मेन सिर्फ अच्छा यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया आपने बताया। अच्छा अभी आप रेसिपी के ऊपर भी बात कर रहे हैं ना, वर्कआउट कर रहे हैं। हेलो विवेक, यस सर, रेसिपीज़ एट होम पे ट्राई करूँ मैं? एक कीवर्ड निकाला है मैंने, रेसिपीज़ एट होम। अब इसके अंदर डीप में देखते हैं, ये देखो स्टारबक्स रेसिपीज़ एट होम, इसके ऊपर बना सकते हैं भाई, KDB 26 का है, ठीक है। क्या उसके वॉल्यूम बाद का क्या मतलब है? नहीं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, वॉल्यूम का क्या अच्छा वो मतलब बोल। ट्रैफिक एक मंथ में कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने लोग एक महीने में सर्च कर रहे हैं भाई गूगल के ऊपर, ठीक है, ये एवरेज हुआ है। जैसे हाँ जी हाँ जी आप बता रहे हो ना कि KD26 है या वॉल्यूम 800 है, हाँ बट पहले आप ये बताओ ना कि जैसे कि KD है तो इसका मतलब क्या है, और ये कैसे दिखा रहा है। तो अगर पहले ये चीज क्लियर करोगे ना सभी चीजों में, सभी की, जैसे KD हो गया, वॉल्यूम हो गया, या अपडेट हो गया, और कीवर्ड्स हो गए, तो
तब ज्यादा अच्छे समझ आएगा। मान लो जैसे मैंने भी पूछा था, मैं करता हूँ, मैं जैसे कि करता हूँ। मैंने भी पहले पूछा कि 26 क्या होता है, फिर आपने बोला कि आउट ऑफ 100 है, अब इसने पूछा वॉल्यूम है, तो अगर आप पहले ही ये चीज बताओ तो क्लियर हो जाती है मैं ना। करता हूँ क्लियर। इसमें आपको दो टर्म्स मिली हैं, एक तो मिली है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इज के एवरेज मंथली नंबर ऑफ मंथली सर्चेस ऑन गूगल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफ कीवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है। मान लो आप लिखते हैं google.com, सॉरी गूगल लिखते हैं, ये गूगल यूएसए लिखते हैं, गूगल यूएसए कितने लोग एक महीने में रिसर्च करते हैं उस चीज़ को वो दिखाता है, ठीक है। मान लो मैं कॉफ़ी रेसिपी एट होम, अब मेरे को ये देखना है कि भाई कॉफ़ी रेसिपी एट होम कितने लोग एक महीने में सर्च करते हैं, तो वो बोलता है भाई 600 लोग ऐसे हैं जो हर महीने कॉफ़ी रेसिपी एट होम को, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रिसर्च करते हैं। अभी समझ आया आप दोनों के? अभी तो आ गया मेरे समझ, बट मैं यही बोल रही थी कि जैसे आगे कोई वेबसाइट दिखाओगे आप तो ये वाली हाँ चीज क्लियर करना, क्योंकि हाँ पहले मैंने डेफिनेटली केडी वाला पूछा, फिर उसने वॉल्यूम वाला पूछा, हाँ अभी तो हाँ क्लियर है। आ विवेक आप क्या मैं क्या वैसे समझ, बता रही हूँ कि जैसे कि विवेक, विवेक जी हाँ सर, समझ गया समझ गया सर और केडी समझ आ गया? केडी जी। क्या होता है कि आपका लाइक इफ 100 आर्टिकल्स आर देयर, देन वेयर विल यू बी रैंक्ड। आप कहाँ पे, अगर 100 आर्टिकल्स है तो 100 में से आप कौन से नंबर पे रैंक कर सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है केडी, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी, क्लियर। चलिए अभी लैटे इस पे बना सकते हैं, लैटे रेसिपीज एट होम। अच्छा ये नीचे आगे लोडेड टी रेसिपीज एट होम विदाउट एक्सक्यूज हर्बल मी, लाइफ। हाँ जी हाँ जी जैसे ये तो 100 का है, मतलब ये फर्स्ट 100 है, क्योंकि एक चीज पे 200 भी हो सकते हैं ना, ये तो अगर आउट ऑफ 100 है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कहीं पे 200 हैं, ठीक है, तो इंटू टू कर दो। तो मतलब वो हमें खुद ही देखना पड़ेगा, ये सिर्फ आउट हाँ ऑफ 100 ही बताएगा। ये आउट ऑफ 100 दिखाएगा। लेट्स से यहाँ पे 26 है, ठीक है, आपका यहाँ पे 26 है और उस पर्टिकुलर नीश के ऊपर मान लो आपके हैं 1000 आर्टिकल, तो हो सकता है वो आपको 260वें नंबर पे दिखाए, 260 नंबर पे दिखाए। इट्स अ पॉसिबिलिटी। ओके, ये सिर्फ एक मतलब कि दिखाया गया है कि अगर वो हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कि हम गूगल यूएसए भी अगर सर्च करेंगे तो हाँ इसकी के मतलब जो ये पर्टिकुलर साइट है इसकी केडी दिखा रही है उस पे 3, ठीक है, अच्छा बट हाँ अगर हम वहां पे तो सर्च करेंगे गूगल यूएसए और वहां पे हैं 100 आर्टिकल्स। 100 आर्टिकल है। अभी रिसर्च करके दिखाऊँ इस चीज़ को, लोडेड टी रेसिपीज एट होम की को रिसर्च करके दिखाऊँ। ये देखो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, कीवर्ड को प्लेस कर देंगे, अगेन लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इसको एंटर हिट करेंगे, अभी यहाँ पे दिखा दिया इसने कि 10 रिजल्ट है सिर्फ लोडेड टी रेसिपी, इसलिए ये बोल रहा है कि इसकी केडी जो है सिर्फ 3 है और रिसर्च इस पे 150 आ रखी है। अब बोलो रैंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, बस ऐसे ही हमें काफी सारे वर्ड्स देखने पड़ेंगे, बिल्कुल देखने मतलब पर। अच्छा एक अब हाँ यहाँ से फिर बस डीएपीए देख लो, मैंने मोज एक्सटेंशन का आपको बता दिया, उसकी हेल्प से आप डीए देख लो कितना डीए है वेबसाइट्स का, जिन वेबसाइट्स को आपने वो करना है, बीट करना है। अभी मान लो चलो मैं पहले पे नहीं बोलूँगा, दूसरे पे नहीं बोलूँगा, तीसरे पे नहीं बोलूँगा, फोर्थ पे तो रैंक कर सकते हो यार, 34 डीए है। चलो फोर्थ भी छोड़ो, फिफ्थ पे तो रैंक कर सकते हो, फिफ्थ नंबर पर आ जाओगे, क्या दिक्कत है उसमें? एक बार को ये अगेन बताना कि ये डीएपी ये कैसे आता है। बेसिकली आपने क्या बोला कि प्रिंसिपल की आप बात मानोगे, है ना, नहीं वो मेरी समझ में आ वो गया, बनता बट जब कैसे है, हम डीए सर्च करते हैं इंक्रीज ना, कैसे होता है?
ये सर्च कैसे होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा पीएटी जो भी है? एक वेबसाइट बताई ना अभी, कहाँ वही तो थी, बोल रही हूँ ना, ये दोबारा रही बताना। वेबसाइट seochecker.com। हाँ मैं उसमें डाल देता हूँ ओके स्लाइड में। इस पे हम DAPA चेक कर सकते हैं, किसी भी साइट का, अपनी का भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ टूटो गैजेट डॉट कॉम, टूटो गैजेट डॉट कॉम का मैं यहाँ पे करता हूँ, तो इसका DA 15 PA 36, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। स्पैम स्कोर इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, ये एस एस होता है, स्पैम स्कोर, स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, इसको कम कर देंगे, तो इस वजह से मर रहा है। चलो ऑफ पेज SEO भी इसकी काफ़ी अच्छी हुई पड़ी है, 34% की है। अभी मैंने इसको रीपरचेज करा है 3 दिन पहले। और क्या क्या आता है भाई तेरे में, कीवर्ड्स छोड़ दो, SEO भी छोड़ दो, मेन मेन इसने बता दिया। स्पैम स्कोर यार इसका ज़्यादा है, चलो कोई बात नहीं। मोस्ट ट्रस्ट 4 का है, ठीक है, मोस्ट ट्रस्ट भी। बैकलिंक परसेंटेज, क्वालिटी बैकलिंक 17% है, ओके है। मोस्ट क्वालिटी बैकलिंक्स 11, मोस्ट ठीक है, बढ़िया चल रहा है ये। यहाँ से आप बारीक से बारीक डिटेल इस पर्टिकुलर URL की देख सकते हैं, ठीक है एवरीबडी। सर कौन सा वेबसाइट से देखते हैं सर? मैंने इस पे डाल दिया SEO, वेबसाइट seochecker.com, ठीक है। अच्छा अब ये आपको समझ आ गया कि हमने कीवर्ड कैसे निकालने हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक शीट बनाई हुई है, सर कहाँ है यार, शीट निकालनी पड़ेगी। ये रही कीवर्ड्स की लिस्ट। अब मैंने क्या करा, मैंने कीवर्ड्स लिख लिए सारे के सारे, उसके बाद उनका KD लिख लिया कि भाई KD मेन क्या है, कि वो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे लिस्ट अपडेट कर सर, वो दी। आपने जो दिखाया था DAPA जो बहुत सारा लिखा हाँ हुआ था, हाँ उसमें सब कितना कितना होना चाहिए? भाई जितना ज़्यादा उतना अच्छा। स्पैम स्कोर कम होना चाहिए, SS लिखा हुआ है एक, वो कम होना चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। ठीक। ये आउट ऑफ 100 होता है DAPA ना, डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा अभी मैंने क्या करा, मैंने वो वहाँ से जितने भी कीवर्ड निकाले वो मैंने सारे के सारे एक अपनी शीट पे निकाल लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको रैंक करता हूँ कि जिसका 25 या 25 से कम KD है, ठीक है। पहले मैं उन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर आर्टिकल लिखूँगा, फिर मैं जाऊँगा 26, ये 26, 26 से लेके 35 तक, 26 से लेके मैं जाऊँगा 35 तक, फिर उनके ऊपर आर्टिकल लिखूँगा। फिर एक आती है 36 से लेके 36 से लेकर के 45 तक, फिर ये कैटेगरी पे मैं आर्टिकल लिखूंगा। और लास्ट आती है अबव 46, 46 से अबव मेरे लिए अभी रेड है, बिकॉज मेरे लिए अभी डोमेन्स जो हैं वो न्यू डोमेन है, ठीक है, समझ आया। तो अभी मैं काम लिखना शुरू सर करूँगा जो मेरे लिए ग्रीन सिग्नल मेरे को दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी मेरा कीवर्ड वाला पार्ट ख़त्म हो गया, कीवर्ड का समझ आ गया आपको कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कीवर्ड। पुट यस सर इट इन शीट, स्टार्ट वर्किंग ऑन लो KD, लो KD कीवर्ड्स फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले लो KD कीवर्ड्स पे हम काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यस सर अभी मैं एक और स्लाइड ले रहा हूँ, अभी ये समझ आ गया, यहाँ पे समझ आ गया, कोई डाउट हो कीवर्ड रिसर्च में। ओके अभी कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, अभी चलते हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर, ठीक है।
देखो मैंने कीवर्ड निकाला, क्या निकाला भाई, ये शीट इसमें भी है क्या, लेट मी चेक इट, पड़ी है ठीक है। मैंने कीवर्ड निकाला, लेट से इस पे ट्रैफिक कम है, इस पे ट्रैफिक 150 है, इस पे मैं वर्कआउट कर सकता हूँ 300, इसको निकालते हैं चलो, 300 की ट्रैफिक है, केडी एक का है ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल यूएसए पे, अगेन डबल कोट्स, डबल कोट्स मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास आगे भी और पीछे भी, इस पे मैं सर्च करता ये हूँ, ट्रैफिक वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रैफिक ओके ठीक ठीक है। वो मैंने अपनी उसके लिए लिख लिया था ना, समझ के लिए ठीक है। अभी मेरे पास काफ़ी सारे आर्टिकल आ गए, एक अमेजोन आ गया, अमेजोन आ गया, एक GadgetGuard.com करके है वो आ गया, उसके बाद ब्लैक आइस गैजेट गार्ड, एक बार इसको देखते हैं ये कोई मैं ये पूछ रही थी अभी जैसे ये सर्च किया ना जो भी सर्च किया आपने इसमें साथ में ही आ जाता है कि ये बीए और डीए तो हाँ ये कैसे आता है ये ये मैंने यूएसए आपको गूगल मोज से आता है एक्सटेंशन बताया था ना, मोज अगर हम एक्सटेंशन, यूएसए नहीं नहीं कोई नहीं एक्सटेंशन होगा ये मैंने ना टूल्स पे एक एक्सटेंशन लिखा है मोज एक्सटेंशन ठीक है। ये आपको गूगल कर लेना मोज एक्सटेंशन, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है, ये ऑटोमेटिकली गूगल में आ जाएगा आपके, तो फिर आप चाहे सिंपल गूगल भी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक ओके वेबसाइट का यहाँ पे आपके और DAPA दिखने लग जाएगा, क्लियर ओके ठीक है। अभी ब्लैक डाइस जो करके ये एक कोई ब्रांड है शायद, और यहाँ पे ना सारी की सारी शॉपिंग वाली वेबसाइट्स आई हुई हैं ठीक है, आर्टिकल की वेबसाइट नहीं आई कोई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आर्टिकल वाली, ये आर्टिकल की है क्या, ना ये भी वैसी है, आर्टिकल के लिए वेबसाइट नहीं है यार, ये यार ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में आर्टिकल की वेबसाइट मुश्किल ही मिलेंगी। चलो कोई दूसरा कीवर्ड मैं ट्राई करता हूँ, 300 उसके बाद आ जाओ भाई, ये है अमेजोन की, इसके ऊपर लिखा तो था यार मैंने कल, ये हो चुका है वारंटी के ऊपर कर सकते हैं, फन गैजेट्स फॉर मैन ये करते हैं, चलो फन गैजेट्स फॉर मैन, इसका केडी है 22 का और 450 का ट्रैफिक है ठीक है, मंथली ट्रैफिक। अभी मैं अगेन सेम अप्रोच, डबल कोट्स के अंदर मैं कीवर्ड डालूँगा, ये आ गया जी मेरे पास, टेमू टेमू करके कोई वेबसाइट आई है, टोटल 18,400 रिजल्ट आए हैं, यहाँ पे फेमस है बहुत टोमू टेमू, यूके में हाँ यूके में बहुत फेमस है तो ये मतलब कोई शॉपिंग की वेबसाइट है क्या चीज़ है? हाँ शॉपिंग की वेबसाइट है ये अच्छा ओके देख लेते हैं एक बार, यार ये खुलेगी सी ई नहीं, एम यू है ना हाँ यही हाँ है शॉपिंग वेबसाइट है बहुत फेमस है यहाँ पे ओके ग्रेट, हाँ ये देखो मैंने गैजेट इसने वो दे दिया, सबसे पहले यही आई हुई है, तो चलो ये आ गया 57 कूल गैजेट्स फॉर मैन, या 10+ कूल गैजेट्स, ये आप पिंटरेस्ट से उठा सकते हो है ना, ये आ गया यहाँ नाइन पे बहुत सस्ता मिलता अनबिलीवेबल, है बहुत हाँ जी सस्ता है यहाँ पे हाँ टेमू, बहुत सस्ता अभी मैं जा रहा हूँ इस साइट के ऊपर 59, इस पे वो है DA, और इस वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ 9 अनबिलीवेबल डेस्क गैजेट्स फॉर मैन ठीक है। ये हम अभी हमने सर्च करा था फन फन गैजेट्स फॉर मैन, अभी इसमें है अनबिलीवेबल गैजेट्स फॉर मैन, डेस्क गैजेट्स फॉर मैन है ना, तो उसने मेरे को रिलेवेंट नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं उसने नहीं दिया, बट हम इसको रिलेवेंट बनाएंगे लेटर ऑन ठीक है। ठीक है यस सर ओके, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से शुरू हो जाऊँगा, नीचे तक मैं कॉपी करूँगा भाई,
क्योंकि एट द एंड ऑफ डे मैं मेरा जो काम चल रहा है वो कॉपी पेस्ट से चल रहा है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आर्टिकल लिखूँ बैठ के, है ना। हो जा। सेकेंड थिंग, मेक श्योर आप जब भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो पॉइंट्स वाला आर्टिकल लिखें, ना कि आप एक बहुत एक ही टॉपिक उठा लिया सॉरी और उसी के ऊपर आपने लिख दिया। ऐसा कभी मत करना, अगर ऐसा करोगे तो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, भर भर के कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी अपने को चाहिए भर भर के कंटेंट के, नहीं ये यहाँ तक उठाया मैंने, ठीक है, लास्ट यहाँ तक उठा लिया मैंने क्योंकि इसमें 9 के 9 पूरे हो गए। कॉपी करा, अच्छा सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे हैं हम, सबसे पहले मैंने सर्च योर सर्च कॉम्पिटिटर ऑन गूगल विद डबल क्वोट्स इन स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ योर कीवर्ड, ठीक है। हमने डबल क्वोट्स लगाए अपने कीवर्ड के स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ठीक है। उसके बाद कॉपी योर कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट कंटेंट आर्टिकल, यार आर्टिकल मैंने अपने कंपटीटर का कॉपी करा। अब आगे, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी मैं जाऊंगा हमारे सबसे बढ़िया साथी चैट जीपीटी के ऊपर, बहुत साथ देते हैं बेचारा, बहुत शरीफ है। अभी मैंने बॉडी के ऊपर मैंने एक ना प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है कि राइट डाउन अ एसईओ फ्रेंडली कंटेंट फॉर ब्लॉग विद नो लेस देन 1800 वर्ड्स। ब्लॉग का स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग शुड बी लाइक दिस, एक शॉर्ट पैराग्राफ आ जाएगा, फिर हेडिंग आ जाएगी। विवेक ऐसे ही लिखते हैं हमें ना, yes, फिर एक अगेन शॉर्ट पैराग्राफ, फिर कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे हेडिंग वन के बारे में, फिर हेडिंग टू, फिर हेडिंग थ्री, ऐसे कर करके लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। अब भी कंटेंट का टॉपिक मैंने यहाँ पे डालना है, जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट करा है ना दूसरी किसी वेबसाइट से, वो मैं डालूँगा यहाँ पे, डाल दिया मैंने, ठीक है। और जो मेरा कीवर्ड था, कहाँ है मेरा कीवर्ड, क्या कीवर्ड लिया था यार हमने, ये लिया था ना फन गैजेट्स फॉर मैन, फन गैजेट्स फॉर, ये फन गैजेट्स फॉर मैन मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा 9 फन गैजेट्स फॉर मैन, चलेगा वो भी, ठीक है। वो जो सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया था उस वेबसाइट से यहाँ पे पेस्ट करना, वो मैंने कहाँ पे पेस्ट करा है, टॉपिक ऑफ कंटेंट इज इक्वल टू उसके नीचे पेस्ट करा है सारा, ठीक है। और इससे पहले मैंने कीवर्ड डाल दिया, बस मैंने क्या चेंज करा, एक तो मैंने कीवर्ड चेंज करा, एक मैंने कंटेंट चेंज करा, बस रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। Yes, उसके बाद मैं करूंगा इसको सिंपल, कॉपी कहाँ से करना है, किस अपने कंप्यूटर की वेबसाइट से। अच्छा, अब मैं कर दूंगा इसको सेव एंड सबमिट। मैंने जैसे अभी अगर हमारा कोई हाँ टॉपिक है उसके कंप्यूटर मतलब 3-4 हैं जो हमें लग रहे हैं कि ये किसी भी एक से उठा लो, कंप्यूटर है तो किसी भी एक से उठा लो या मिक्स कंटेंट दे दो, तीनों चारों वेबसाइट से, ठीक है। अब ये मेरे को मेरे लिए काम ये कर रहा है, मेरे को हाथ भी लाना नहीं पड़ रहा, विवेक समझ आ रहा है। इतना मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर लूँ, है ना, कि हमने कंटेंट कॉपी करा एंड गिव दिस कंटेंट
कंटेंट टू चैट जीपीटी, कंटेंट एंड कीवर्ड टू चैट जीपीटी विद द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड, प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। प्रॉम्प्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वाला, ये लो, ये मैंने डाल दिया जी अपना प्रॉम्प्ट। अरे ऐसे क्यों आ रहा है यार, बड़ा गंदा आ रहा है भाई। लेट मी डू वन मोर थिंग। अभी भी बहुत गंदा आ रहा है। प्रॉम्प्ट 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 कमेंट्स में डाल दूँ क्या? ठीक है, मैंने कमेंट्स में डाल दिया यहाँ पे, है ना। कंटेंट हेयर, और यहाँ पे आ जाएगा कीवर्ड हेयर, है ना। ठीक है जी, मैंने कमेंट्स में डाल दिया। अब जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको ये कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है, अरे ब्रो गड़बड़ हो गया तो नहीं, बात नहीं बनेगी ऐसे तो। ठीक है जी, कमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप यहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, अभी मैं देख लेता हूँ हमारे चैट जीपीटी ने हमारे लिए कितना काम करा है। मेहनत भी बंदा है वो, बहुत बेचारा बहुत मेहनत करता है, सवेर से लेके शाम तक काम में लगा रहता है ना। चलो, अभी इसने मेरे को दे दिया कंटेंट फलाना फलाना फलाना, एवेल्युएट योर वर्क स्पेस विद दीज 9 अनबिलीवेबल फलाना फलाना फलाना। अभी मैं ना टाइटल नहीं लिखूंगा इसका, टाइटल हम लिखेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, अभी इसने मेरे को 9 के 9 बना के नहीं दिए तो मैं कंटिन्यू आ गया था, वो बीच में रुक जाता है बेचारा, कई बार थक जाता है। हाँ बहुत मेहनती है, क्या करें। कितने दिए हैं इसने, एक ये दे दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये दे दिया, छठा ये दे दिया, हेलो, यस सर, हैं, अट के दे, उस लिंक पर ज्वाइन कर ले, आ जाएगा। नहीं वो दोबारा आ जाना, उस उसी से मीटिंग पर ज्वाइन कर ले, दोबारा दोबारा ज्वाइन कर लो ना। ठीक है, ठीक है विवेक जी, अभी समझ आ रहा है कैसे करना है। अभी आप कैसे कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे आर्टिकल चैट जीपीटी से? हेलो, हाँ सर, अभी दूसरे तो मतलब डायरेक्ट कोई कीवर्ड डालता था जो टॉपिक होता था और वो चैट जीपीटी से कॉपी करके रिफ्रेश मार देता था। नहीं अभी समझ आ रहा है कि पहले वेबसाइट के निकाल लो, कंपटीटर की वेबसाइट निकालने के बाद उससे जो है
चैट जीपीटी को दे दो, चैट जीपीटी आपको वेल फॉर्मेटेड मैनर दे देगा उसका। फिर अभी देखते हैं अभी आगे क्या करवाना है, मैं बताता हूँ इसको। बेसिकली हम फिर वर्डप्रेस पे लेके चलेंगे, फिर वर्डप्रेस से बारी बारी से जो है हम हर एक चीज़ को चेंज करेंगे, समझ रहे हो? मतलब जो जो हेडिंग सब हेडिंग होगा सबको बारी बारी करके रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करना है हेडिंग्स, जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनको कभी भी चेंज नहीं करते। जैसे कि ये है लिबलेट लेविटेट योर इमेजिनेशन, ये कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे भाई, ठीक है? नीचे का जो कंटेंट है वो चेंज करेंगे, ठीक है। ठीक है? तो इसलिए हम बारी बारी से चेंज करेंगे। चल रहा है, बहुत मेहनती है बेचारा। तो सर अगली बार से जो मैं आर्टिकल लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा फिर? अगली बार से आप आर्टिकल इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। और किस टॉपिक पे? ठीक टॉपिक आपका जो वो है आप अपने ही कंटिन्यू कीजिए वही वाला, ठीक है? और मैं डाटा कहाँ से लाऊंगा फिर कंटेंट? गूगल कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बता दी, अभी भी ठीक डाटा है। पूछ रहे हो कहाँ से लेके आना भाई? एग्जैक्ट मिलता नहीं, जैसे मुझे मैं कैसे पूछूं, जैसे कोई टाइटल ही मुझे नहीं पता है कि मुझे लिखना क्या है। मैंने तो 100 200 अब टाइटल ढूंढ के रखा है, इससे चैट कीवर्ड जीपीटी से मैंने क्या निकलवाया है। बोला, कीवर्ड रिसर्च करी है मैंने अभी तक? टाइटल ढूंढा? ये बताओ पहले टाइटल के बारे में मैंने कुछ सोचा अभी? नहीं। तो कीवर्ड रिसर्च करिए, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च। अब आपको भी आ गया करनी, है कि नहीं? आ गई है कि नहीं आ गई कीवर्ड रिसर्च? उसी कीवर्ड पे जो भी आर्टिकल मिलेगा वो लिख देना है टाइटल बना करके। ठीक हाँ, अभी टाइटल मैंने बनाया क्या यार? अभी मैंने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च बताई है। एक मिनट रुकना, उसको भी आने दो। ओके, ऋतिका इज हेयर। ओके ठीक है, ऋतिका वन सर, मोर जैसे थिंग। आप एक एक आर्टिकल लिख करके बता दीजिए हाँ, वही मुझे। कर रहा हूँ भाई, वही कर रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक है, अभी आपका ये कौन सा क्लासिक एडिटर था ना विवेक जी? है। यस सर, ऐसे ही देखते हैं कुछ क्लासिक एडिटर के नहीं? कुछ नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, स्क्रीन वो नए वाले उसमें शेट। अभी मैंने क्या करा, मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ सात ही करे हैं क्योंकि वो अब बाद में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, वो रीजनरेट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे बार बार, तो सात ही कर लेते, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, सात का मैं बताता हूँ कि 1800 वर्ड कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब अच्छा, अब जितना भी मैंने वहाँ से आर्टिकल कॉपी करा है ना, एज इट इज मैं पहले तो अपने इसमें डाल दूंगा, ठीक है? अब ये देखो, इसने ऑटोमेटिकली मेरे को हेडिंग दे दी है H2 बना करके, दे दी मैंने इसको, दे दिया नंबर वन। H2 मेरे को हेडिंग खुद से नहीं बनानी पड़ी, उसने मेरे को ऑटोमेटिकली दे दी, ठीक है? उसके बाद इसने की फीचर्स दे दी, उसके बाद प्रोस दे दिए, कॉन्स दे दिए H3 में। यही स्ट्रक्चर होता है हमारा, पहले हमारी मेन हेडिंग होती, मेन हेडिंग होती है जो भी हम टाइटल देंगे H1 में, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली H1 आ जाएगी। उसके बाद जो हम उसके अंदर की हेडिंग्स होती है वो H2 में देते हैं, वो उसने ऑटोमेटिकली H2 में दे दी। फिर उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं वो H3 में होती हैं, तो ये इसने ऑटोमेटिकली H3 में दे दी, है कि नहीं? उसके बाद H2 अगेन, ये मैं 2.2 दे देता हूँ इसको, फिर ये H3 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 मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3,
यहाँ पे मैं दे देता हूँ फोर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फाइव, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिक्स, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लास्ट में सेवन। ठीक है, ये आ गया। अभी एक मैं लिखता हूँ इसका लास्ट में कंक्लूजन फॉर द अबव। कौन अभी इसने वैसे तो दिया नहीं, बट अगर ये पूरा हो जाता तो दे देता कंक्लूजन फॉर द अबव। कंक्लूजन फॉर द अबव गिवन कंटेंट। यार ऐसे मत कर यार ब्रो, इसको मैं एक काम करता हूँ, फिर यहाँ से कर लेता हूँ सेव एंड सबमिट। हो जा भाई शुरू। ठीक है, इतना ये लिख रहा है, लेट हिम राइट। इतना मैं आगे का बता देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैंने क्या करा उसको भी नोट डाउन कर देते हैं साथ के साथ, कि मैंने पेस्ट द कंटेंट गिवन बाय चैट जीपीटी इन योर वर्डप्रेस एडिटर। ठीक है, वर्डप्रेस एडिटर में हमने एज इट इज उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम करेंगे सेट द कंटेंट इन, या अरेंज करते हैं, अरेंज द कंटेंट इन एच टू एंड एच थ्री मैनर। ठीक है, वो विवेक आपको भी पता है एच टू एच थ्री मैनर में हम कैसे अरेंज करते हैं, है ना? Yes, sir. ठीक है, इस मैनर में, इस स्ट्रक्चर में हम इसको जो है मैनर की जगह स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं, ठीक है, इट्स इट वुड बी मच फाइन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हम इसको अरेंज कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद एक एक पर्टिकुलर चीज़ उठानी है। पहले देख लेता हूँ मैं नीचे वर्ड कितने होंगे, वर्ड काउंट कितना है। वर्ड काउंट मेरा 2100 का, तो इसी ने इसमें ही दे दिया 2100 का। कोई बात नहीं, अगर इसमें वर्ड काउंट अच्छा है तो हम सिर्फ क्रिएटिव वाला करेंगे, उसमें क्विल बॉट में। ये इसने मेरे को कंक्लूजन भी दे दिया, कंक्लूजन मेरे को मस्ट है। हर एक जितना भी हमारा वो होता है ना, एक शॉर्ट कंक्लूजन ले लेता हूँ मैं। हाँ जी, हर आर्टिकल में शो ये कंक्लूजन देना ही है, मस्ट है ये। हर एक आर्टिकल में कंक्लूजन हम मस्ट देंगे, ठीक है, एक बॉटम लाइन। ठीक है, ये इसने मेरे को कंक्लूजन दे दिया, मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ। इसमें हम 2500-2600 वर्ड दे देते हैं, वर्ड जितने दोगे उतने कम है यार। ठीक है, अगेन कंक्लूजन भी मेरा एच टू में होगा। कम से कम कितने वर्ड होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने? मिनिमम 1800, मैक्सिमम जितने मर्जी, 4000-5000। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने सारा का सारा चैट जीपीटी से बनवा लिया विवेक। ठीक है, अभी मैंने अपना एक 1% भी दिमाग नहीं लगाया यार, ये सुन रहा हूँ, सिर्फ कीवर्ड निकालने में दिमाग लगाया, रेस्ट एवरीथिंग मैंने जो है एआई से कराया है। ठीक है, अभी मैं कर चलता हूँ क्विल बोर्ड की तरफ। वी डू हैव अ लाइक टूल कॉल्ड क्विल बोर्ड, क्विल बोर्ड है ना, डबल एल है ना, ये सिंगल एल है, डबल एल हमने हम सीधे एक इसमें क्यों नहीं गए, इसमें पैराफ्रेजिक वाली वेबसाइट में वर्डप्रेस में क्यों गए वो बता देता हूँ।
अगर हम सीधा पैराफ्रेजिंग की वेबसाइट में जाएंगे ना, तो वो इसको भी चेंज कर देगा, कर देगा वो, इसको भी चेंज कर देगा, प्रोज को भी चेंज कर देगा, कॉन्स को भी चेंज कर देगा, वो सारी की जितनी भी हमारे पास हेडिंग्स है वो सारी की सारी हेडिंग्स को चेंज करता चला जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसका तो काम है चेंज करना, हर एक चीज को वो चेंज कर देगा, यस और नो? ओके, बट हमें पर्टिकुलर कुछ कुछ चीजें चेंज चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाली चीज कॉपी करी, इसको कॉपी करने के बाद इसको दे दिया और इसको कर दिया क्रिएटिव, और ये नंबर टू पे रखा, इसका प्रीमियम मेरे से ले लेना, ये हमने रखा, ये हो गया नंबर वन, ये हो गया नंबर टू, मैंने रखा नंबर टू पे और रखा क्रिएटिव में। अगर हमारे पास वर्ड की वर्ड हमारे पास है अच्छे काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर अमाउंट ऑफ वर्ड है तो हम करेंगे क्रिएटिव, बट अगर हमारे पास लाइक 1800 वर्ड से कम है, 1200 वर्ड्स है, तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे जब तक वो 1800 नहीं हो जाते, ठीक है? मान लो इसमें हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ 1200 वर्ड्स का कंटेंट है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कि 100 इसमें बढ़ा दिए, 100 इसमें बढ़ा दिए, 100 इसमें बढ़ा दिए, 100 इसमें बढ़ा दिए, ऐसे करते करते हम कॉन्स को नहीं छूना है बस। हाँ जी, प्रोज कॉन्स हेडिंग्स को नहीं छूना, हेडिंग्स को नहीं छूना, बस ये ऊपर नीचे का जो भी कंटेंट हमारा रिटर्न कंटेंट है उसको सबको छूना है, ठीक है? ठीक है जी, यस और नो? हेलो गाइस, आवाज थी सर, मैं बोल रहा हूँ जब तक हमारे पास अगर कंटेंट कम है तो हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, अगर कंटेंट हमारे पास सही है तो क्रिएटिव में रखेंगे उसको, क्रिएटिव मोड में, ठीक है? और हमने जो हेडिंग्स है उन हेडिंग्स को नहीं छेड़ना, क्लियर? चलिए, अभी इसने मेरे को क्रिएटिव में मेरे को इसने वो दे दिया बना करके, एक बार मैं और निकाल लेता हूँ, दो बार निकाल लेता हूँ, दो बार निकाल लो, कई बार वो AI का कंटेंट दे देते हैं, तो मैं दो बार निकाल लिया मैंने इसको इसमें से, और मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है? और वो कर लेना अपने पास ना ग्रामरली यूज़ कर लेना, ग्रामरली एक्सटेंशन, थर्ड मैं एक्सटेंशन लिख देता हूँ, ग्रामरली एक्सटेंशन। हाँ जी, अभी आया। हाँ, एक ग्रामरली एक्सटेंशन यूज़ कर लेना, ठीक है? ओके, सो मैंने यहाँ से जो भी कंटेंट था मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे डाल दिया। अभी ये देखो, ये ना कुछ एक इन्होंने जो अलग से उसमें दिए इटैलिक फॉर्म में दिए, तो हो सकता है ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन हो, तो मैं इसको भी चेंज नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैं कर दूँगा यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक मैंने कॉपी करा ये, आप ये बोल रहे हो कि ये भी कीवर्ड्स की फीचर्स वगैरह भी होगी, है ना? नहीं दिख रहा है कुछ ठीक से, वॉइस भी ब्रेक हो रहा है और लेट मी ज्वाइन अगेन। अब दिख रही है स्क्रीन आपको? हाँ, अभी ओके। तो मैंने क्या करा, मैंने ये जो लाइन थी ये इन्होंने इटालिक करी है, ये देख सकते हो आप, इटालिक फॉर्म में करी है, तो मैंने इसको छोड़ करके मैंने सारा का सारा पॉइंट अपना कॉपी कर दिया, ठीक है जी? कॉपी करने के बाद इसको मैंने क्विल बोर्ड पे जा करके पेस्ट कर दिया। अब आप बोलोगे जी ये तो इसको भी करेगा, भाई करने दो, कोई बात नहीं, मैं इसके आगे इक्वल 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 लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.1, ये मेरा 0.2 है, ये मेरा 0.3 है, ये मेरा 0.4 है, ये मेरा पॉइंट है 5। उसके बाद प्रोज के आगे भी मैं इक्वल 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 लगा देता हूँ, ताकि मेरे को मेरी खुद की रिमेम्बरेंस रहे, और एक बार एक दो बार एंटर डाल दूँगा, स्पेसिंग कर दूँगा बीच में आपस में, ठीक है? 1, 2,
थ्री एंड फोर, अगेन मैं फिर इक्वल इक्वल इक्वल, वन टू, बस ये यहाँ तक था, टू तक ही, फिर ये मेरा थर्ड पार्ट। अभी समझ आया मैं कैसे कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ आई? यस सर। ताकि मेरे को अपनी समझ आ जाए, है ना, मेरे को अपनी समझ लग जाए कि हाँ मैंने क्या करा है, कैसे करा है। अब ये इसने एडवांटेजेस लिख दिया, प्रोज को एज इट इज छोड़ दिया, कॉन्स को ऐसे ही कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक बार और निकाल लेता हूँ इसको क्विल बॉट में से ही, रिफ्रेश दोबारा कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। सो मैंने एक और बार इसको रिफ्रेश कर लिया। यार ये थर्ड पे क्यों आ गया सीधा, वन और टू कहाँ गए? ओके, ये कई बार भाई ऐसी दिक्कतें कर देते, तो इसको हमें देखना होगा। इसने यहाँ पे ही टू लगा दिया था, और ये इसने ये इसका टू खा गया। टोटल वेट सिर्फ 271। ये हमने एक पार्ट लिया ना सिर्फ उसका, हमने प्रॉपर नहीं लिया ना, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक पार्ट लिया उसका, ठीक है जी। अब इसने मेरे को पूरा का पूरा प्रॉपर दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी करा और सिर्फ मैंने यहाँ तक लिया था, फर्स्ट जो मेरा वो था गैजेट था उसका मैंने वो लिया था सिर्फ आइटम, मतलब तो क्या हम जहाँ पे आपने क्रिएटिव लिया तो हम वहाँ पे एक्सपेंड भी ले सकते हैं ना? अगर आपके वर्ड लिमिट कम है तो, बट अगर आपकी वर्ड लिमिट 1800 के आसपास है तो। बट आपने बोला है कि ना, बट कीवर्ड्स है जो वो 4000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। हाँ। तो अगर आपने क्रिएटिव पे किया है ना आपने, हाँ। तो टोटल वर्ड थे वहां पे 270 और अप्रोक्सीमेटली, बट लेकिन वो क्रिएटिव में जब वो पैराफ्रेज करा था तो वो 250 पे आ गए, इसलिए कि अगर हम इतने ज्यादा कम नहीं होंगे ना यार, 2200 से कितने कम हो जाएंगे? फिर भी यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है ना, देखो 270 और 250। लास्ट में देख लेंगे वो, लास्ट में हम क्या करेंगे, मान लो अगर हमारे लास्ट बिल्कुल लास्ट में जो है वर्ड कम हो जाते हैं 1800 से भी, वैसे तो नहीं होंगे उसका भी क्योंकि मेरे को पता है जुगाड़ क्या है, बट अगर बाय चांस हो जाते हैं ऐसा, तो उसमें हम मेरे पास एक और जुगाड़ है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, और जो मेरा वो है कंक्लूजन पार्ट, हम उनको बढ़ा देंगे कि नहीं? हाँ, हम उन चीजों को बढ़ा या घटा सकते हैं, है ना। अभी इनको थोड़ा थोड़ा सा सेट कर लेंगे यूजेस, इसको ऐसे ही कर लेते हैं यार, वन और ये टू हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्री हो गया ये, इट्स और ये ना थोड़ा सा आपको अलग तरीके से देगा, तो हमें थोड़ी थोड़ी इसकी सेटिंग करनी होगी, है ना। ये अपनी की फीचर्स होगी चार, चार की फीचर्स के बाद हमारा जो है प्रोज हैं। अभी हम प्रोज पे जाते हैं, थोड़ी थोड़ी ये दिक्कत करेगा बट इसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग करनी है अपने हिसाब से। यहाँ पे इसने फर्स्ट लिख दिया तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, यार ये वैसे ही आएगा, चलो वन से ही कर देते हैं इसको, डू नॉट टू आ गया, ये आ गया मेरा थ्री अब विजुअली, और ये आ जाएगा मेरा फोर्थ नंबर, ठीक है। ये मेरे चार पॉइंट हो गए पूरे, क्लियर गाइस? यस सर। और फिर मैं लास्ट में कॉन्स पे अपडेट मारूंगा ऐसे ही, तो
गया गलती। ठीक है यहाँ पे दा लिखना है बस। ठीक है ये मैंने कौन से लिख लिए, उसके बाद मैं चलता हूँ अपना यहाँ पे, ये मेरा इस पर्टिकुलर चीज़ का कंक्लूजन हो गया। अभी देखो अभी लास्ट में मैं आके देखता हूँ, पहले हमारे कुछ 2200 कुछ थे वर्ड्स और अभी भी 2200 कुछ ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। 150 कम होंगे मैक्स, ठीक है अगर क्रिएटिव पे हम जा रहे हैं। अभी ये बताओ आपको ये समझ आ गया कैसे अपडेट करने हैं, यस और नो? यस आ गया ना। अभी मैं इसको जल्दी से जल्दी करूँ अपने तरीके से, मैं समझाने के लिए मैंने एक थोड़ा सा डिले वाला तरीका अपनाया था, अभी मैं अपने तरीके से अगर करूँ इट विल नॉट टेक मोर टाइम फॉर मी। ठीक है जी ये मेरा पहला डिस्क्रिप्शन हो गया, आई विल अपडेट इट। ये मेरा सेकंड का डिस्क्रिप्शन है, मैंने मार दिया कंट्रोल वी, फिर ये 4 पॉइंट्स इसने मेरे को दे दिए। ये चार के चार पॉइंट्स मैंने एज इट इज यहाँ पे डाल दिए। ये 4 पॉइंट आ गए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक एक बार ही निकाल रहा हूँ, वहाँ से दो दो बार नहीं निकाल रहा, बट मेक श्योर आप 2 बार निकाल लें। अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यार प्रोज क्या है इसके, हाई क्वालिटी एंड क्यूट डिज़ाइन। ओके प्रोज ये इसने सीधे ही लिख लिए, कोई बात नहीं। ठीक है अब मैं निकाल देता हूँ इसके कॉन्स, कॉन्स कहाँ गए, कॉन्स कहाँ गए यार ये। चलो कॉन्स को बाद में देख लेते हैं, मैं कॉन्स को ना इसके वो दे कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ ताकि मेरे याद रहे कि इसने कॉन्स नहीं लिए है ना। उसके बाद ये कॉन्स के बाद ये आ गया सीधा इस पर्टिकुलर हेडिंग, उस पे पैराग्राफ पे ये मैंने अपडेट कर दिया ये वाला पैराग्राफ। ठीक है ये सेकंड इसने वो दे दिया, ऊपर का मैं एक बार पूरा सारा क्लियर कर देता हूँ सो दैट मेरे याद रहे। ओके इसके बाद मैं इस पैराग्राफ को कर देता हूँ अपडेट। ये मेरे 3 4 पॉइंट्स आ गए इसमें, 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है उसके बाद मैं प्रोज पे आ जाता हूँ, ये प्रोज आ गए इसके, कौन से क्यों नहीं दे रहा यार ये, तीन प्रोज आ रहे हैं यार। थोड़ा सा ना इसको पढ़ के भी देख लिया करो, अगर कहीं पे लगे ना कि हाँ डाउट है, कैन बी अ ट्रिक की फ्लोट फ्लोट क्लब। अच्छा कीपिंग अलमाइटी अफ्लोट चैलेंज, तो ये इसका हाँ ये देखो यहाँ तक इसका प्रो था, नीचे इसका कौन है, ऐसे गड़बड़ कर जाते हैं कई बार। मतलब ये कि इस स्टेप में हमें सिर्फ
ये कॉपी पेस्ट ही करना है ध्यान से, ध्यान से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। वो कुछ और नहीं। ओके हाँ, और ये आ गया मेरा लास्ट, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट, ठीक है। हाँ फटाफट से निपटाता हूँ यार इसको, फिर आगे चलते हैं ना, 10:30 हो गया। ओह माय ओके गॉड, विवेक जी लेट तो नहीं हो रहे? हाँ जी, क्योंकि नो यार ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा आगे भी ना। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ओके, हाँ बस इतना ही रह गया, इतना ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेगा। है, 5 बज गए, मेरे को 6 बजे जाना है शिफ्ट हाँ पे। हाँ मैं बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। ग्लोबल इजीली फॉल्स व्हेन डंप्ड, ये यहाँ से, और इजी सेटअप इसका, हाँ इजी सेटअप प्रोसेस, ये यहाँ से इसका यहाँ तक का, ये इसका प्रो, पांच एक मिनट लगने हैं इसको मैक्स होने में, कॉपी पेस्ट करने में। और ये मैंने कर दिया, ठीक है जी। ये इसके बाद आ गया यहाँ पे, मैंने इसको अपडेट कर दिया, दो तीन रहते हैं, तीन रह गए बस, कोई बात नहीं अभी निपटा देता हूँ। रहते की फीचर्स, ये आ गए मेरे की फीचर्स, ओके प्रोज, ये आ गए मेरे प्रोज, और ये आ गए मेरे कॉन्स, ठीक है जी। ये हो गया मेरा 5th पॉइंट, अभी मैं चलता हूँ 6th की तरफ, ये आ गया मेरा 6th पॉइंट, प्रोज आ गए, कौन सा आ गया, इसके बाद पैराग्राफ आ गया। चल भाई पोर्टेबल, पोर्टेबिलिटी ये रहा, लिटिल बल्क, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। इसने दोनों पॉइंट्स को लास्ट वाले में, कौनस वाले के लास्ट दोनों पॉइंट इसने इकट्ठे कर दिए। इसके दोनों पॉइंट इसने इकट्ठे कर दिए, अलग अलग बनाने, तो अब मैं अलग अलग बना देता हूँ, एंड दे दिया बस इसने बीच में, तो मैं एंड से इसको अलग बना दिया।
ठीक है जी, ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट रहता है सेवंथ, यहाँ से आइए और ये चलेगा कहाँ तक, यहाँ तक कंक्लूजन तक। ओके ये रहा, ये गया ये, और ये लो जी ये भी चला गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ विवेक। आ रहा है सर, बहुत ज़्यादा ये लेंदी है ये। बस ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है, है ना। वैसे तो दिमाग लगाने वाली तो कोई चीज़ नहीं है विवेक। विवेक जी यस सर, मैं कह रहा हूँ दिमाग तो नहीं लगाने वाली चीज़ है। यह है, दिमाग लगाना तो नहीं पड़ेगा। कंटेंट राइटिंग तो आ गई अब आपको। कंटेंट राइटिंग अब आसान हो गई है। ठीक है जी, अब लास्ट में रहते कंक्लूजन, और उस कंक्लूजन के बाद जो है मेरा आर्टिकल हो गया कंप्लीट। ये लो जी मेरी राइटिंग सारी की सारी हो गई कंप्लीट। ठीक है, ओके इसमें मैं अपडेट कर देता हूँ दैट अरेंज स्ट्रक्चर के बाद पैराफ्रेज ऑल द पैराग्राफ्स यूजिंग क्विल बॉट वन बाय वन। ठीक है जी, वन बाय वन हमने जो है सारे के सारे पैराग्राफ क्विल बोर्ड में से निकाल लिए। ठीक है, अभी मैं करूँगा इसको सेव ड्राफ्ट, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम। ठीक है, ओके उसके बाद अभी इतना काम हो गया मेरा, अभी यहाँ पे छोड़ दो इसको, कंटेंट राइटिंग हमारी होगी। अब हम चलते हैं ऑन पेज एसईओ की तरफ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ है क्या, कैसे हमने करनी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ना एक कीवर्ड निकाला था, फन गैजेट्स फॉर मैन, है ना, यही था गाइस, यस और नो। अब आपको ना नीचे रैंक मैथ एसईओ दिखेगा, एसईओ करनी सिखा रहा हूँ विवेक, अब देख लो इसको। एंड रितिका देखो, अभी हमने जो इनिशियली वर्ड लिखे थे वो 2200 कुछ थे, अभी हमारे पास 2300 कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि वो घटे गई, okay. वो बढ़ भी सकते हैं ना। ठीक है जी, अब ये देखो रैंक okay. मैथ में हमें ये बोल रहा है कि फोकस कीवर्ड दो हमें, तो हमने अपना जो हमारा कीवर्ड है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कीवर्ड डाल दिया, घबराना नहीं, अभी 10 का रिजल्ट दिखा रहा है, दिखाने दो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपका जो कीवर्ड है वो बिगनिंग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द कंटेंट। सबसे ज़्यादा मैं मेन फोकस करता हूँ इसके ऊपर, कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर। वो बोल रहा है कि एक भी बार आपका कीवर्ड आपके कंटेंट में नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी डालना कैसे है, हमारा है बेस्ट क्या था, फन गैजेट्स फॉर मैन है, वो मैंने कर लिया जी कॉपी। कॉपी करके ना पहले तो इसके सारे के सारे कैरेक्टर बड़े कर लेता हूँ मैं, एफ बड़ा, जी बड़ा, और लास्ट में एम का, मैन का एम बड़ा, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे लिख दूँगा मैं लास्ट में बेस्ट फन गैजेट्स फॉर मैन, कुछ भी मैंने लिख दिया। ठीक है, हेडिंग में मैंने डाल दिया,
उसके बाद मैं यहाँ पे की फीचर्स विच मेक्स इट फन गैजेट्स फॉर मैन, कि जिस चीज़ से वो बनता है फन गैजेट फॉर मैन, ठीक है। कम से कम आपका ये कीवर्ड 20, अगर 2000 वर्ड है तो 20 बार, अगर 2300 वर्ड है तो कम से कम 23 बार ये आपका रिपीट होना चाहिए। जितने वर्ड उसको 100 से डिवाइड कर लो, उतना आपका रिपीटेशन होना चाहिए। क्लियर? Yes. अभी मैं ये कहीं कहीं डालूंगा, मेरा जहां मन करेगा मैं वहां डालूंगा, थोड़ी सी लाइन बना के लाइन में डाल दूंगा, ठीक है। जिंक अलॉय एल्युमिनियम स्टाइलिश अटेंशन हेल्प्स विद अटेंशन एंड कमिंग अप विद फ्रेश आइडियाज विच अगेन, मैं वही चीज मेक्स इट फन गैजेट फॉर मैन, ठीक है। मेरा मन करा मैंने डाल दिया भाई सुपीरियर राइटिंग। अब ये आती है प्रूफ रीडिंग थोड़ी सी, ठीक है। सबसे पहले हमने ये काम करना होता है मेन, इट इज वेल मेन राइट विद कुछ भी डाल दिया मैंने, राइट विद फन गैजेट्स फॉर मैन, कुछ भी चल रहा है, चलने दो। फॉर इट्स बीइंग फन गैजेट फॉर मैन, ठीक है। डेस्क फोल्डेबल सो दैट इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफ फन गैजेट्स फॉर मैन, डाल दिया, ठोक दिया बिना मतलब के, ठीक है। हाँ इसको चेंज करता था ना, इसको चेंज कर देते क्विल बोट में, ये दो लाइनें चेंज करके देते भाई फटाफट। ठीक है, इसने दो लाइनें और चेंज कर दी। दिस प्रोडक्ट वॉज लैकिंग क्लॉक ऑफ, ये छोड़ देते हैं। सुपर्ब क्राफ्ट क्राफ्टमैनशिप एंड स्वीट लुक टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट ना फन, क्या था वो फन गैजेट्स फॉर मैन, हाँ ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करा करो जहाँ पे भी करो, क्योंकि नहीं तो वो अपना स्टाइल चेंज कर देगा अगर कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो सिंपली, ठीक है। अभी नीचे देखते हैं, नीचे वो बढ़ रहा है, अभी ज़ीरो था तो अब 7 बार आ चुका है, बट ये जो डेंसिटी है ना ये नियर अबाउट 1 होनी चाहिए, अभी अपनी 0.30 है बट हमें 1 तक लेके जानी है ये, तो देख लेंगे कितना वो लगेगा। अभी मान लो 23-24 लगेंगे, हाँ जी 7 times, अभी तो 7 times अभी बन रहा है वो, लिखा जा रहा है, बट अपने को वो चाहिए लाइक 23-24 times चाहिए, ठीक है। ओके okay. और इसकी वजह से भी कंटेंट वर्ड्स बढ़ते हैं, ये जो दूसरा तरीका okay. वर्ड बढ़ाने का ये था, ठीक है। 7 कर देता हूँ यहाँ पे, द 7 प्रोडक्ट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मेंस की जगह मैं करता हूँ फन गैजेट, यहाँ पे बस मैंने लास्ट में मेंस लगा दिया, हो गया 8 बार। 8 बार के बाद प्रोज टू बी इट्स, यहाँ पे फिर से लगा दिया मैंने, ठीक है। बीच में यहाँ पे डॉट के बाद वैसे ही लगा दिया, अगेन डॉट दे दिए एक, ठीक है, अपने वो बढ़ाने के लिए बस। और कोई टाइटल छोटा सा हो, ये छोटा सा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। कॉलन डाल देता हूँ यहाँ पे, ये कॉमा डाल देता हूँ, है ना, जहाँ पे मेरा जी करेगा मैं वहाँ पे लगाऊँगा, ठीक है। स्मार्टफोन विद एनी स्मार्टफोन विच मेक्स इट अगेन फन गैजेट फॉर
मैन, कंट्रोल शिफ्ट भी अगेन मैं बोलूँगा प्रेस करना। ठीक है, कितनी बार हो गया भाई? 12 बार हो चुका है। अब देखो ये 12 बार हो गया तो ये येलो होना शुरू हो गया। अब ये 12 का मतलब 24 बार हमें करना है, क्योंकि 12 पे आ गया 50 वे, तो अभी अपने को 24 बार अगर हम कर लेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, प्रॉपरली ग्रीन हो जाएगा। द फादर्स गेट्स गिफ्ट किड्स अ मल्टी टूल पेन विच इज अंडर द कैटेगरी ऑफ फन गैजेट मैन। 12 13 बार हो गया, 13 बार हो गया। ये भी मेरे को छोटा लगा, मैंने यहाँ पे भी डाल दिया भाई। ठीक है, फास्ट एंड सिंपल सेटअप टू बिकम, ये लो जी ये डाल दिया। देखो मेन चीज़ है, आपके कंटेंट को इतनी डीपली कोई नहीं पढ़ने वाला। अगर आप कहीं पे भी डालते चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है विवेक, कीवर्ड अपने मेन रखने हैं, कीवर्ड अपने ने डालना है हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे भी होगा वहाँ वहाँ पे अपने ने कीवर्ड डालना है। ठीक है, जहाँ से भी, जहाँ पे भी हो पाएगा। ठीक है, अब इससे भी तो वर्ड्स बढ़ ही रहे हैं, इससे भी बढ़ेंगे वर्ड्स। देखते हैं इसको 2400 पे ये प्रॉपर ग्रीन हो जाता है, अगर 2400 तक चला गया ना। इट में टेक सम प्रैक्टिस टू बिकम एंड गेट, आगे चलने दो लाइन को। ठीक है, ओवरऑल स्पाइट ऑफ द कंप्लेंट्स विच मेक्स इट बेस्ट। ठीक है, कितनी बार हो गया यार, काउंट कर रहा है कोई? 18 बार हो गया, क्या बात है। एंड इट्स दी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इनिशियल में ज़रूर हम लिखेंगे, इन टूडेज पास्ट फेज डिजिटल इन्वायरमेंट हैविंग एक्सेस टू द राइट मटेरियल और ऑल द टाइम। अब यहाँ पे करते हैं, राइट फन गैजेट्स फॉर मैन एट ऑल द टाइम्स इज एसेंशियल, ये लाइन मैंने कर दी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अपनी लाइन को अपग्रेड कर दिया। ठीक है जी, वर्क स्पेस फन गैजेट्स फॉर मैन, यहाँ पे फन फोर नहीं, हाँ फन नहीं लगाया हुआ तो हमने फन लिख दिया सिंपल। तो कितनी बार हो गया, 20 बार हो गया, 4 बार और करना है। कहाँ पे डालें? आई थिंक यहाँ ये पे भी बहुत 21 हो गया। 21 हो गए। हाँ 21 हो गए, ग्रेट। ठीक है, अभी एक दो जगह पे और डाल देते हैं, दो तीन जगह पे। सिंपल सेटअप एंड यहाँ पे डाल दिया फन गैजेट्स फॉर मैन, और 360 डिग्रीज विच इज यूनिक क्वालिटी अंडर द कैटेगरी ऑफ फन गैजेट्स फॉर मैन। कितने हो गए, 23? एलईडी लाइट एंड इट्स दी, अब देखो नीचे ना प्रॉपर ग्रीन हो गया होगा वो। अच्छा, एक दो एक बार और कर देते हैं भाई, 25 पे हो जाएगा प्रॉपर ग्रीन। बिकॉज ऑफ, अभी ग्रीन तो है देखो, बट प्रॉपर इस जैसा ग्रीन नहीं है ना? तो ग्रीन हमें प्रॉपर ऐसा करना होगा, नीचे वाले जैसा। तो हम अभी लास्ट में डाल देते हैं, हाँ एक दो, है ना, कंक्लूजन में भी। एक्सेसरीज एंड द फन गैजेट्स फॉर मैन दैट नॉट ओनली बूस्टेड, हाँ ठीक है। अब ये देखो, आप देख सकते हो 1.1 की कीवर्ड डेंसिटी हो गई है और ये प्रॉपरली ग्रीन हो गया है ना। सबसे पहला काम हमने करना है, उसके बाद का एसईओ में,
इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट 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 कहाँ गई, डुप्लीकेट दिस स्लाइड ऑन पेज SEO। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले कीवर्ड चेक फॉर कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है जी। सबसे पहले हमें कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, चेक करनी है, इट शुड बी नियर टू वन, इट शुड बी अबव वन कर देता हूँ, है ना, अबव वन होनी चाहिए, ठीक है, चाहे 1.1 ही हो बेटर, बट अबव वन होनी चाहिए, क्लियर। यस सर, नींद आ गई विवेक जी? यस सर, नो सर, और नहीं आ रही, ओके। अच्छा, अभी सेकंड करना है हमें एक एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और एक इंटरनल लिंक, या एंड मल्टीपल इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक कौन सा होता है और इंटरनल लिंक कौन से होते हैं, बताओ। एक्सटर्नल लिंक मतलब किसी और के साइट को रेफर करें, हाँ, और इंटरनल मतलब अपने साइट का कोई आर्टिकल या अपना ही साइट। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी हम एक एक्सटर्नल लिंक सिर्फ एक लगाएंगे, ठीक है, किसी भी साइट का लगा देते हैं अभी के लिए, चलने दो। dads.com लगा दें या फादर्स डे, कुछ भी लगा दो, अभी अपने पास रिलेवेंट कंटेंट नहीं है तो हम कुछ भी लगा देते हैं, तो फादर या अपनी वाइट पाइन हॉबी का लगा दें, whitepinehobby.com, मैंने लगा दिया एक एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। और मैम, अब लगाने मैंने मल्टीपल इंटरनल लिंक्स। अब गैजेट्स फॉर मैन मैंने एक ना कैटेगरी भी बनाई हुई है, गैजेट्स फॉर मैन, ठीक है, तो मैं वहाँ पे लगा देता हूँ एक गैजेट्स फॉर मैन की कैटेगरी, गैजेट्स फॉर मैन, गैजेट्स फॉर मैन कैटेगरी कहाँ गई यार, नहीं आ रही है। मैं फिर अपनी साइड से नॉर्मली उठा लेता हूँ, नहीं आ रही हो। जितनी भी मेरे पास कैटेगरीज हैं, जितना भी मेरे पास वो है, मैं सारे के सारे लिंक डालूँगा यहाँ पे, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने, क्योंकि अगर एक भी आर्टिकल रैंक हो गया ना, तो वहाँ से अगर मैंने मैपिंग करी हुई हुई तो वो दूसरे भी आर्टिकल रैंक हो जाएंगे, समझ रहे हो। गुड क्वालिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किचन गैजेट्स लिख देता हूँ सिर्फ, और यहाँ पे लिख देता हूँ, लिंक लगा देता हूँ किचन वाला, कॉपी लिंक एड्रेस करा, यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है। और LED लाइट्स की कहीं पे बात हो रखी है, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई रिलेवेंट आर्टिकल, एक ये है कूल गैजेट्स फॉर मैन का, मैं यही डाल देता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है जी। यहाँ पे मैं 5-7 लिंक लगा देने आपने, है ना, गार्ड्स की कहीं पे बात नहीं हो रही, फ्लोट ग्लोब, चलो ठोक देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर अपने पास कोई ऐसा आर्टिकल हुआ तो हम उस आर्टिकल का लगा देंगे, अगर आर्टिकल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपने इंटरनल लिंक लगाने हमने, ठीक है। यस और नो, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है जी, मैंने 5-7 लिंक लगा दिए, ओके। उसके बाद अभी देखो सारे लगभग सारे के सारे वो हो गए। अच्छा, एक चीज़ और, अब यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, अब ये कंटेंट रीडेबिलिटी में अंडर कंटेंट रीडेबिलिटी चेक फॉर क्या बोलते हैं इसको यार, लॉन्ग पैराग्राफ्स, ये क्या बोलता है कि आपके ना पैराग्राफ कई बार बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं तो उनको छोटे कर दिया करो। हमने क्या करना है, जो भी यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना है, आई बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो भी पैराग्राफ ये बोल रहा है कि लंबा है, येलो कर देगा जो भी लंबा पैराग्राफ होगा, उसमें ना बस बीच में एक एंटर प्रेस कर देना है। मैं यहाँ पर डिस्पाइट में
एक एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसको शॉर्ट कर देगा। और कहीं पे एक इसमें बता दिया उसने, यहाँ पे मैंने लगा दिया उसके आध में से, जो उसका आधा लग रहा है हमें कि हाँ ये आधा है अब इसका, तो वहाँ से हमने उसको दो पैराग्राफ में डिवाइड कर देना है। ठीक है भाई, अभी तो जा, और कोई तो येलो नहीं है ना, सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ एक बार। मेक श्योर आप बार बार सेव ड्राफ्ट करते रहें, इट्स अ गुड हैबिट। यार और तो कहीं पे नहीं है, तो ये दिखा क्यों रहा है? चलो उसको बाद में देखते हैं फिर। अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। अभी इसने मेरे को ना एक तो टाइटल के दे दिए कि भाई आपका जो टाइटल है वो फोकस कीवर्ड उसमें नहीं है। अभी हमने टाइटल तो बनाया ही नहीं, और ना की यूआरएल उसमें दिया कि भाई यूआरएल में आपका टाइटल नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हमने वो भी नहीं बनाया। उसके बाद कीवर्ड इन एल्ट टेक्स्ट, हमने इमेज भी नहीं बनाई है ना, इन तीन चीज़ों में उसने मेरे को एरर दे रखे हैं अभी। ठीक है, ये भी टाइटल रीडेबिलिटी है सारी टाइटल के बारे में। तो अभी हम चलते हैं किस चीज़ की तरफ, हम चलते हैं अपना टाइटल बनाने की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम अभी चलते हैं, ऑन पेज एसईओ बेसिकली इतना ही है, ये हम लास्ट में कर लेंगे, पहले चलते हैं टाइटल की तरफ, क्रिएटिंग टाइटल, क्रिएटिंग टाइटल की तरफ चलते हैं। एंड प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म लास्ट में देख लेंगे, वो तो लगभग आपको आती ही है सबको, है ना? आई थिंक आपके पास नहीं सर, नहीं किया करती हूँ आपको, नहीं नहीं गिरा, मैं आपको तो बता दूंगा, आपको तो दिक्कत नहीं है यार। उसमें ना कंटेंट कॉपी पेस्ट ही करना है, वहाँ पे देख लेंगे वो ना, जो भी किसी और वेबसाइट के पास सेम कंटेंट होगा तो वो उसको हाईलाइट कर देता है, जैसे इसने येलो करा था वैसे ही उसने वो दूसरे किसी कलर में कर देगा, और उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को हमने उठा के दोबारा से रिफ्रेश करा देना है, बस इतना है, करवा के बताऊंगा। अभी क्रिएटिंग टाइटल के लिए हम जो है क्या करेंगे, गिव आर कीवर्ड टू दी चैट जीपीटी विद दी फॉलोइंग प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट फॉलोइंग प्रॉम्प्ट कह लो यार, चलो कमेंट कर रहा हूँ वैसे तो मैं, प्रॉम्प्ट मैंने ये लिखा हुआ है इसका भी। पहले अपना वो देखता हूँ कीवर्ड क्या था, मेरा कीवर्ड था फन गैजेट्स फॉर मैन, ओके, और ये मेरा टाइटल का प्रॉम्प्ट है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे फोकस्ड कीवर्ड चेंज करना है, नथिंग एल्स। वो ऑटोमेटिकली आपको एक कीवर्ड वो दे देगा, टाइटल जनरेट करके दे देगा। अब इसने मेरे को टाइटल तो जनरेट करके दे दिया, बट एक हमारे पास वेबसाइट है नेमली इसका कमेंट डाल देता हूँ पहले तो, कीवर्ड हेयर वो फोकस कीवर्ड यहाँ डालने, हाँ फोकस कीवर्ड जो भी अपना होता है वो हमने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, खा गया, ठीक है। उसके बाद फोकस कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी हमें वो बना करके देगा उसको हमने एक हेडलाइन मॉन्स्टर, मॉन्स्टर करके क्या नाम है उसका टूल का, हेडलाइन मॉन्स्टर है शायद, हेडलाइन मॉन्स्टर, ब्रो वेर आर यू, हेडलाइन मॉन्स्टर, हाँ मॉन्स्टर इनसाइट्स करके है, मैं यूआरएल डाल देता हूँ टूल्स में। ठीक है, इस पे हमने चैट जीपीटी का दिया हुआ टाइटल डालना है, ये टाइटल उसने मेरे को दिया था,
और मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। अब ये एनालाइज करके बताएगा कि भाई आपका इसका स्कोर कितना है। एक मिनट रुको। हेलो हेलो, हाँ जी है। बस वो टाइटल देख का थोड़ा सा रह गया उसमें। अरे वो टाइटल लिख का बस ऑन पेज एसईओ करनी है और फिर कैनवा पाना, कैनवा पर कुछ नहीं हो रहा, बोरिंग। आ जाने को फटाफट आ जाए यार, आधा घंटा रह गया, इस तरह निपटाए का मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, क्या नहीं समझ आ रहा, एसईओ नहीं समझ आई। हाँ बस वो जिधर आप करने बैठेंगे फिर आप ही आ जाएगा। और ये हेडलाइन एनालाइजर ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ क्या करना, अपना कीवर्ड डालना और वो दे देगा, हेडलाइन बनाएगा, दे देगा उस पे हेडलाइन, उसमें एनालाइजर में चेक करना कि भाई कितने परसेंट का वो है रहा। बस ये अपनी हेडलाइन बन जाएगी, टाइटल बन जाएगा, बस बात ख़त्म। ले फटाफट आने का, कहीं नहीं सो रहे तो आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है देवेंद्र, सॉरी विवेक, विवेक जी यस सर, तो ट्राई करना है। इसमें वैसे क्या तो करना है? हमने क्या करना है, हमने अपना कीवर्ड इसको दे दिया, जो ये प्रॉम्प्ट मैंने दूसरा बनाया हुआ है टाइटल वाला। ठीक है, ये हमें कोई ना कोई हेड वो बना के दे देगा टाइटल बना के, उसमें हमने हेडलाइन एनालाइजर में उसको निकाल के उसका स्कोर चेक कर लेना है। मेक श्योर हमारा स्कोर हमेशा ही 80 अबव रहे, ट्राई करना है 90 अबव रहे, बट अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, बट 80 अबव तो रहे ही रहे। ठीक है, यहाँ पे नीचे बोल भी देते हैं कि आप वर्ड आपने ज़्यादा बनाए हुए हैं, कम कर सकते हो तो कम कर लो, और वर्ड काउंट का ही दे रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लास्ट में कर देता हूँ, कहाँ गया, एंड को हटा देता हूँ यहाँ से, कॉमा ही रहने देते हैं सिर्फ। अभी देखते हैं, अभी 77 आ गया ना, तो हम एंड लगा देंगे एंड। ओके फाइंड्स अगर हटा दें, अभी 88 हो गया, तो ठीक है 3% बढ़ गया, तो इट्स बेटर फॉर अस, तो हम इसके साथ ही चले जाएंगे, इसको ही हम अपना टाइटल बना लेंगे। ठीक है, मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैंने सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया भाई। ठीक है, इसमें अपना अनलॉक फन गैजेट्स फॉर मैन, मेन कीवर्ड हमारा फोकस्ड कीवर्ड ये है, ये आ गया। उसके बाद टाइटल कहाँ से लाया सर आपने? भाई मैंने चैट जीपीटी के अंदर अच्छा, अपना वो डाला, कीवर्ड डाला। ठीक है, कीवर्ड डालने के बाद मैंने क्या करा, उस कीवर्ड को हेडलाइन एनालाइजर में मैंने जो वेबसाइट यहाँ पे डाल दी है टूल्स के अंदर, जो जीपीटी पे सर्च किया हुआ है वो हाँ उसको उठा करके यहाँ पे मैंने डाल दिया। टेम्पलेट है, मतलब आपका हाँ वो बनाया टेम्पलेट हुआ। है, वो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में डाले, कमेंट में डाल दिया, ये पड़ा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी, फिर उसको मॉन्स्टर इनसाइट पे चेक कर लिया और उसने बोल दिया कि भाई ये 88 का स्कोर दे रहा है। ठीक है जी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है 88 का स्कोर, मैंने फिर वही यूज़ कर लिया। ठीक है, वो मेरा बन गया टाइटल। अब टाइटल डालते ही आप एसईओ स्कोर देखोगे, 76 आ गया। इसमें ना जहाँ पे वो टाइटल सर्च किया वो दिखाना एक बार, टैब खोल के ये लो, इसमें ये यहाँ से स्कोर स्कोरेज कुछ ओके। क्या हो गया, बोलो बोलो। हेलो, बोलोगे कुछ कुछ नहीं, ऐसा, कुछ देख रही थी। चलो ठीक है। अब देखते हैं कि भाई 77 पे क्यों अटक गया ये, अभी बड़ा क्यों नहीं, अभी तो ये बड़ा होना चाहिए। और
तो इसने बोल दिया कि भाई एक आपके पास इमेज नहीं है और एक आपका यूआरएल बढ़ा जा रहा है, ठीक है, और एक आपका एसईओ में कोई नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, नंबर डाल देते हैं, नंबर मैं डाल दूंगा अनलॉक, या अनलॉक हटा के मैं एक बार चेक करूं कि यहाँ पे अनलॉक की जगह अगर मेरे पास सेवन है, सेवन गैजेट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो सेवन फन गैजेट्स मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो कैसा 90 स्कोर आ गया, तो भाई मैं ये क्यों ना यूज़ करूँ, है कि नहीं? यस और अच्छा नो? तो मैं यहाँ पे 90 स्कोर वाला यूज़ कर लूँगा, सेवन गैजेट्स वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेवन फन गैजेट्स वाला यूज़ कर लिया, अब इससे मेरा एसईओ स्कोर भी इम्प्रूव हो गया, 78 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या रह गया, एक तो रह गया कि भाई आपका यूआरएल बड़ा है, एक इमेज, बस ये दो चीज़ें रहेगी। एक ये पता नहीं क्यों दे रहा है यार, येलो कहीं यहाँ पे दिखा नहीं रहा वो, पर बड़ा दिखाया जा रहा है कि भाई बड़ा है बड़ा है बड़ा है, येलो कहीं है नहीं, चलो देखेंगे इसको भी बाद में। बट यूआरएल देखता हूँ, एडिट स्निपेट में जाऊँगा मैं और यूआरएल को छोटा कर दूंगा। अभी रेवोल्यूशनरी थ्री व्हील अनकॉमन ये मेरे लिए बकवास चीज़ है, तो मैं इसको मेक इट सिंपल, सेवन फन गैजेट्स फॉर मैन, सिंपल, और एसईओ स्कोर 82। एसईओ स्कोर चला गया मेरा 82। अब मैं जाऊँगा कहाँ पे, अब मेरा दूसरा भी जो वो था टाइटल था, टाइटल भी हो गया मेरा ख़त्म। एंटर अ नंबर इज मस्ट एंटरिंग, मतलब एक नंबर आपके टाइटल में होना ही होना चाहिए। और इससे पहले क्या था, मॉन्स्टर मॉन्स्टर इनसाइट्स स्कोर शुड बी मोर देन 85। 85 कर देते हैं इसको। समझ आया विवेक? पहले ये बताओ यहाँ तक टाइटल बनाना समझ आया? सर विवेक जी आप आ गए हैं, एक सेकेंड। फटाफट ज्वाइन करिए। नंबर्स ऐसे हो सकते हैं विवेक जी, जैसे बेस्ट सेवन गैजेट्स, या फिर इन 2023 विच इज़ द बेस्ट थिंग, है ना? तो इस तरह से हो सकते हैं वो चीज़ें, ठीक है। ठीक है विवेक, विवेक जी, आवाज नहीं आ रही। ओह मैं म्यूट था। ठीक है विवेक, इसमें क्या हो सकता है कि लाइक जैसे हम लिखते हैं ना, बेस्ट सेवन गैजेट्स इन 2023, ये हो सकता है, और या फिर हो सकता है कि बेस्ट सेवन हो गया जैसे, है ना? तो वो सारी की सारी चीज़ें उनमें, मतलब जो भी अपना टाइटल होता है उसमें एक नंबर हम मस्ट दें, ज़रूरी है नंबर देना, ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद फीचर्ड इमेज कैसे बनानी है वो आपको आती है ना? फीचर्ड इमेज फीचर्ड इमेज फीचर्ड इमेज कैनवा पे जाके, canva.com, आपका लोगो एंड टाइटल शुड बी देयर इन इमेज। इसका सिंपल सा फंडा हमने बनाया हुआ है, ऋतिका आपको दिखा देता हूँ मैं।
सिंपल है, टेम्पलेट बना दिया बेसिकली ये भी। इसमें क्या करना है, बस इसको डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट मैंने इसको कर दिया। और हमारा फन गैजेट्स है ना, फन गैजेट्स मैंने सर्च करा, और फन गैजेट्स से रिलेटेड मैं कुछ भी अच्छी सी इमेज लगा दूंगा यहाँ पे। फन गैजेट्स में क्या लगाएं, गेमिंग गैजेट्स लगाते हैं, गेमिंग गैजेट ट्राई मारते हैं ये चीज़ लगा के, है ना। और इसको करूँगा मैं रिप्लेस बैकग्राउंड, यहाँ पे रिप्लेस बैकग्राउंड कर दिया, दैट्स इट। और ये मैंने टाइटल अपना, जो भी मैंने अपना टाइटल बनाया था वो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, कॉपी करा पेस्ट कर दिया, बस छुट्टी। ये बन गया मेरा वो फीचर्ड इमेज बन गई है मेरी। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा JPG, ये 100, इसकी क्वालिटी 100। और लास्ट वाली करूँगा सिर्फ करंट इमेज, या जिस भी इमेज पे वो आ रहा है ये वाली मैं कर लूँगा, और इसको कर लूँगा डाउनलोड। बस ये बन गई मेरी फीचर्ड इमेज, दो स्टेप का काम है फीचर्ड इमेज का। लगेगी कहाँ पे ये, लास्ट में लगेगी जी, सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड करूँगा, अपलोड ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। और जो भी एक चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ, व्हेन अपलोडिंग, अल्ट टेक्स्ट डालना है। हाँ, व्हेन अपलोडिंग वी शुड एंटर या राइट दी एल्ट टेक्स्ट इन दी इमेज। एल्ट टेक्स्ट हमें डालना ही डालना है, कहाँ पे डलेगा वो दिखा देता हूँ जी। ये रखा हुआ है इन्होंने एल्ट राइट टेक्स्ट, साइड में और एल्ट टेक्स्ट क्या डालना है, एंड इट शुड बी 7 फन गैजेट फॉर मेन। एल्ट टेक्स्ट, रुको, राइट योर टाइटल टाइटल एज एल्ट टेक्स्ट इन द इमेज। हमने जो हमारा टाइटल बनाया वो एल्ट टेक्स्ट में भी डालना है, और इधर भी डाल दो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दो, नॉट अ बिग डील, ठीक है, डाल सकते हैं। टाइटल डालना है या फोकस कीवर्ड? अच्छा टाइटल डाल दो, फोकस कीवर्ड तो ऑलरेडी उसमें है ही है ना, तो ठीक क्या है। दिक्कत है, टाइटल डाल दो। अब इसने मेरे को सिर्फ एक एक एरर पे छोड़ दिया कि भाई आपका एक एक एरर है, कि एक तो ये नहीं मेरे को समझ आ रहा क्यों है दिखा रहा है ये, ठीक है, येलो तो कर नहीं रहा, उस एरर दिखाया जा रहा है, कोई बात नहीं। और एक ये बोलता है कि आपने AI कंटेंट नहीं यूज़ करा, ये बेसिकली इसका पैकेज बेचने का चक्कर है कि भाई मेरा पैकेज ले लेंगे, ठीक है भाई हम नहीं करते, ठीक है। और ये बोलता है कि आपकी इमेज और वीडियो कम है, तो हो सकता है आप यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। और अच्छा 2500 वर्ड करके देखूँ एक बार इसके, वॉइस पे थोड़ा सर। अरे मैं 2500 वर्ड करके देख रहा था यार इसके ना, तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, 2500 वर्ड कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारा ना बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ा दे भाई, एक बार और निकाल लेता हूँ मैं इसी में से। वन नाइन्टी फाइव वर्ड्स हो गए, क्रिएट क्या अभी 2500, हाँ 2555 वर्ड्स हो गए, दैट्स अ ग्रेट एनफ अमाउंट। और एक दो बार यहाँ पे चलो फिर हम वो भी डाल देते हैं फिर अपना कीवर्ड, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपका कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड कम हो गए, कीवर्ड डाल देते हैं भाई। और ये जो कीवर्ड रिसर्च वाला काम है, कीवर्ड डालने वाला, ये हम कंटेंट लिखने के बाद करेंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से कंटेंट को चेंज कर देता है, क्विलबोट है ना, पैराफ्रेज कर देता है वो, है ना, तो इस वजह से हम उसको लास्ट में करेंगे।
एक बार यहाँ पे आ जाए यार। ठीक है जी, 1.1 हो गया क्या? हाँ 1.1 पे अगेन ही आ गया। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अभी लगभग अपना 88 का स्कोर हो गया, वेरी गुड। SEO स्कोर अपना 88 चला गया। ठीक है, यस सर। ठीक है जी, फीचर्ड इमेज होगी और कुछ इसमें? फीचर्ड इमेज के बाद ना एक शेड्यूलिंग था वैसे। शेड्यूलिंग हमें यूएसए के टाइम के अकॉर्डिंग करनी है। यूएसए के टाइम के अकॉर्डिंग मैं अभी जो टाइम टेस्ट कर रहा हूँ वो टाइम कर रहा हूँ। बाकी शेड्यूलिंग का टाइम आपको बाद में बता दूंगा मैं। पब्लिश अभी मैं कर देता हूँ 9 बजे। हाँ अभी कर देता हूँ यार इसको तो पब्लिश, क्योंकि आज की मैंने पब्लिश नहीं करी कुछ भी। ठीक है, 14 दिन हो पर गया। इसका स्कोर कितना होना चाहिए, SEO स्कोर? अच्छा, इट शुड बी 88, 85+, 85 और 85+। ओके। ठीक है, स्कोर शुड बी 85 प्लस। ठीक है, ठीक है रितिक जी, इतना समझ आ गया? हेलो, हाँ SEO समझ आ गई? SEO में कोई डाउट? हेलो, सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है। अभी ना क्या करना है, अभी हमने आर्टिकल लिख तो दिया कॉपी करके, अभी एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी इसमें मेरे को यार ये नहीं पता कि भाई जो हमने कंटेंट AI के थ्रू लिखवाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिखवाया है, इसमें से कितना कंटेंट उसने कॉपीराइट वाला दिया है, किसी और ने लिखा हुआ दिया है, या उसने ह्यूमन जनरेटेड दिए, कैसे, मतलब वो मेरे को नहीं पता यार अभी, है ना। तो एक वेबसाइट है, मैं इसका भी लिंक डाल दे रहा हूँ लास्ट में, प्लेगरिज्म। अब आते हैं प्लेगरिज्म पे, है ना, प्लेगरिज्म और AI डिटेक्शन। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं अपना पूरा का पूरा आर्टिकल जो भी मैंने लिखा है वो पूरा का पूरा पेस्ट कर दूंगा एज इट इज़, चेक करूँगा। जहाँ जहाँ पे भी ये एरर दिखाएगा उस एरर को मैं निकालता चलूँगा। और इसने मेरे को बोल दिया कि दिस इज़ अ ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो ह्यूमन से नहीं लिखा गया हो, मतलब AI ने कुछ भी ऐसा नहीं है कि AI ने ना लिखा लिखा हो, मतलब तो ये सारा का सारा इंसानों ने लिखा है, इसका कहने का मतलब ये है। अभी प्लेगरिज्म भी चेक करवा लेते हैं भाई एक बार। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि किसी और वेबसाइट पे सेम कंटेंट, ठीक है। तो कई बार क्या करता है ये AI जो है दिक्कतें कर देता है कि किसी और वेबसाइट से कंटेंट उठा लेता है, तो हमें वो भी चीज़ चेक करनी है कि किसी और वेबसाइट से कंटेंट ना उठा रखा हो इसने। ये पहली साइट गई, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक कर भाई। ये मैं सेकंड साइट साइड बाय साइड चेक मार लेता हूँ, इस पे भी 1000 वर्ड ही होंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ तक मार लेता हूँ, हाँ चलेगा। चेक प्लेगरिज्म, अगर हमें प्लेगरिज्म वाला कंटेंट मिलता है तो वी शुड क्या करना है, हमें वहाँ पे उसको वो कर देना है, दोबारा से पैराफ्रेज कर देना है। ठीक है भाई, चला क्यों नहीं? समझ आ रहा है प्लेगरिज्म और वो, समझ आ गया AI डिटेक्शन। प्लेगरिज्म क्या होती है कि भाई किसी और वेबसाइट पे सिमिलर कंटेंट तो नहीं है, सेम कंटेंट तो नहीं है, और
एआई डिटेक्शन होती है कि भाई कि जो ये है कंटेंट, ये एआई से तो नहीं लिखवाया गया, ठीक है। अभी ये दोनों टूल्स लगे हुए हैं काम पे। % हो गए डिटेक्ट यार। बाकी कल कराएं। हाँ बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तो खत्म है। मेरे सिर्फ 8 8 मिनट रह गए 6 बजने में। हाँ बस ये एआई डिटेक्शन देख रहे हैं ना बस। हाँ वैसे तो ये आते ही है आपको तो, है ना, तो अभी आप लीव कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्योंकि सारा का सारा, अभी तक यहाँ पे कोई डाउट हो तो ये बताओ। हेलो, हेलो सर, कल मुझे बस बता दीजिएगा कीवर्ड्स और कंटेंट कहाँ से निकाला था आपने। अच्छा, कीवर्ड का मैंने टूल डाल दिया भाई HREF, और कंटेंट मैंने सर्च करा था गूगल पे। स्टार्टिंग वाला दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा स्टार्टिंग वाला दुबारा, कोई नहीं मैं बता दूंगा। ये इसने भाई 3% हाँ, वो डिटेक्शन कर कंटेंट लिया, वाला। ये कोई इसने लाइन निकाल ली है कि भाई इस लाइन में जो है आप क्या वो है, इस लाइन को हम काट भी सकते हैं, एक लाइन का कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो मैं काट ही दूंगा इस लाइन को, है ना, ढूंढ के निकाल ही दूंगा, ठीक है। लास्ट वाला भी कर लेते हैं। अब ये कर रहे हैं, बड़ा स्लो है यार। 20% यूनिक, 24% यूनिक, ये ठीक दिखा रहा है, पर ये भी 5% इसने निकाल लिया। ये वाली लाइन में फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर इस लाइन को मैं हटा ही दूंगा। ये क्या चक्कर हुआ बड़ा यार। ईबे पे आया हुआ है कहीं पे। अरे ठीक है विवेक जी, हाँ, वो मैं समझ गया, वो अभी हटा आपको देना, वो जिम्मा आज रहेगा फिर ना। रिप्लेस कर देना। हाँ इसको मैं एडिट करके इसको अपडेट मार दूंगा, ठीक है। इसमें तो बहुत कुछ करते टाइम भूल भी जाऊंगा मैं, ये धीरे धीरे बता रहा था आपने, स्टार्टिंग से तो ज्यादा अच्छे से समझ आता। पता है क्या है, अभी मैंने इसकी ना वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ आएगा तो आप वीडियो में देख लेना दोबारा से, है ना। हाँ, आप वीडियो भेज दीजिएगा, ऐसे 2 3 घंटे का हो गया है। 2-3 घंटे।